जैसे कि मैंने आप सभी लोगों से बोला था, नमस्ते सौरभ पांडे जी, कि आप लोगों को मैं करंट अफेयर्स की क्लासेस कराऊंगी, तो आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। सो वेलकम सौरभ, वेलकम विशाल जी, सभी लोगों को आ जाना है यहाँ पे। एंड आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं ये, होपफुली आप सभी लोग आंसर करोगे। नमस्ते ओम, नमस्ते नमस्ते विशाल जी। एंड सब लोग कमेंट करने के एबल होते हैं कि नहीं होते, मुझे प्लीज बताइएगा कि सब कमेंट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। नमस्ते अलका, नमस्ते आशी, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट है, नमस्ते नवनीत। और आप लोगों ने डिनर विनर किया कि नहीं किया, क्योंकि 10 बजे से लेके 11:30 बजे तक हमारी क्वेश्चंस की सीरीज चलेगी, एंड इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को देने होंगे कमेंट्स के थ्रू। सो फटाफट से आ जाएंगे। गेन, हेलो मैम, अगेन, ओके मैंने सुनाई दिया गेन। नमस्ते आशी, यस दबा के खाया है, हो गया यार, मेरा नहीं हुआ, मैं तैयारियां ही करती रही। मैं 11:30 बजे जाकर के खाऊंगी, लंच भी नहीं किया, डिनर करूंगी अब सीधे। खैर, और कौन कौन ज्वाइन कर रहा है क्लास को, एंड आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन है, देन इसके बाद में आपका जो सेशन है उसको भी। ओके ओम का भी नहीं हुआ, वेलकम सुनील मुदगल जी। सो 2 मिनट का मैं समय नॉर्मली देती हूँ सभी को कि आप क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, एंड देन हम लोग करेंगे। वेलकम अर्पित अवस्थी जी, वेलकम नवनीत, वेलकम। टाइम से तो मैं खा लूं, मगर काम को मैं कहां लेके जाऊं, बहुत सारे काम है मेरे पास, अब मैं खा लूंगी जाकर के। नमस्ते नवनीत, नमस्ते अभिनव वाजपेयी जी, वेलकम अनुज यादव जी। आप सभी लोग देखिएगा, होपफुली आप सभी लोगों को करंट अफेयर्स हेल्पफुल लगेंगी, एंड ये सारे के सारे कमेंट करंट अफेयर्स जो है आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, क्योंकि मैंने बनाए हैं ये अपने आप से, एंड मुझे लगता है कि ये आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। तो वेलकम विजय राय जी, वेलकम अनुज यादव जी, एंड ऑलमोस्ट आपका 2 मिनट हो चुका है, तो सभी लोगों को क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। मैं पोल क्रिएट करूंगी, तो यू कैन आंसर इन द पोल सेक्शन ऑल्सो, ठीक है। वेलकम शिवम, वेलकम नागेंद्र जी, ठीक है। तो स्टार्ट कर दीजिए क्लास को, से थम्स अप या रेज योर थम्स, ओके ठीक है। ओके वेलकम संदीप, ओके एक ही इंसान को बार बार नहीं करना है थम्स अप कि मैं खुद बहुत ज्यादा खुश हो जाऊं, नवनीत ये करते हैं काम, ठीक है। चलिए आइए आपका स्टार्ट करती हूँ क्लास को, थोड़ा सा आप लोगों का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अबाउट द क्लास। सो करंट अफेयर्स की क्लास है, मेरा नाम है खुशबू चतुर्वेदी, ठीक है। नमस्ते, नमस्ते अभय सोनी जी, नमस्ते मानसी, नमस्ते सौरभ पटेल जी, नमस्ते संदीप, नमस्ते सुनील, ठीक है। सो अगेन करंट अफेयर्स की क्लास है, मेरा नाम है खुशबू चतुर्वेदी, एंड अगर आपको ये क्वेश्चंस रिलेवेंट लगे, एंड अभी अभी आपको पता चल जाएगा अपकमिंग आपके आने वाले समय में जो 15 दिसंबर है कि मेरे करंट अफेयर्स आपके एग्जामिनेशन में आए कि नहीं आए, एंड अगर मेरे क्वेश्चन आते हैं तो अगर आपको लगे कि हाँ क्लास को ज्वाइन करना चाहिए, तो आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हो विच इज खुशबू 11। मेरा नाम की स्पेलिंग है KHUSHBOO11। सो सभी को नमस्ते है शिवम, सभी वेलकम मनोज, नमस्ते सला, नमस्ते ऋषा, नमस्ते शिवम, हाय, ठीक है। सो सभी को नमस्ते, और आ जाओ थोड़ा सा रेट भी देख लेंगे, ये मुझे काम करना है अनअकैडमी के थ्रू, ठीक है। चलिए आ जाइए, एंड आपका क्या है यहाँ पे, अलका आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगी, ऑल जजेस ऑफ हाई कोर्ट इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ओके डन। नेट प्रॉब्लम हो रहा है या मेरे ही नेट में प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है मुझको देखने में, नमस्ते, ठीक है। यूजर वेलकम, वेलकम निधि। सो आपका एक मंथ का जो फीस है वो 1400 पर मंथ है, मैं नहीं चाहूंगी कि आप लोग इतने सारे रुपए दे करके मुझे टेस्ट करो, स्पेशल क्लास में टेस्ट कर लो मैं कैसा पढ़ाती हूँ, एंड देन आप लोग पूरे के पूरे साल भर का आप क्या करिए, परचेस करिए कोर्स, एंड रेफरल यूज करिए मेरा खुशबू 11। 583 पर मंथ आपको कोर्स पड़ेगा, एंड बहुत ज्यादा सही है, रेलिवेंट है एंड कन्वीनियंट है, और यार अभी कर लो ज्वाइन, बाद में मुझसे पैसे ले लेना जब मैं बड़ी सी अमीर हो जाऊं इंसान, ठीक है। चलो आ जाओ, सो स्टार्ट करते हैं क्लास को, एंड वेलकम ज्ञान जी, वेलकम अंकुर जी, ओके वेलकम डीएस, ओके डिप्टी एसपी डॉक्टर अशोक कुमार जी, नमस्ते वेलकम, आंसर करेंगे सब लोग, ठीक है। आइए आपका पहला क्वेश्चन है, मे बी आपको विजिबिलिटी कम नजर आ सकती है, बट मैं क्वेश्चन पूछूंगी आप लोगों से, एंड आप लोग आंसर करोगे, एंड आप लोग पोल सेक्शन के थ्रू आंसर करोगे, एंड सबके आंसर मैं आप लोगों को बताती भी चली जाऊंगी। सो आपसे बोला जा रहा है पहले क्वेश्चन में क्या, कि किस राज्य की सरकार राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित करने जा रही है, ठीक है। आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश, एंड डी है राजस्थान। सो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, पोल क्रिएट कर रही हूँ, एंड आप लोगों को इसका आंसर करना है, एंड देन मैं क्या करूंगी इसका करेक्ट आंसर आप सभी लोगों को बताऊंगी, नमस्ते, ठीक है। ओके 67%, ओके 50% ए है, 33% ए है, 33% बी है, नमस्ते है सभी को, वेलकम मोहन यादव जी, 29% ए है, बी है 43%,
अलका मैंने देख लिया क्वेश्चन आपका, मैं देख के बताऊंगी आपको, ठीक है? 22% ए है। ओके, नमस्ते मोहन एंड टू अदर्स। सबसे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि सही आंसर देंगे, एंड 22% ए है, 56% बी है, 11% ए है। आंसर आपको पता चल ही गया होगा। सो नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश जो राज्य है ये क्या कर रहा है, अपने राज्य में आपका एक गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है एंड उसका प्रजनन केंद्र भी स्थापित कर रहा है, क्योंकि ये जो आपका गिद्ध है ना, ये लुप्त प्राय आपकी प्राणी है या लुप्त प्राय जीव है और लुप्त होने के चांसेस ज्यादा है। और आपको सभी को पता होगा कि जो आपका गिद्ध है, इस गिद्ध का बेसिकली आपको बोलते हैं कि ये क्या है, कि जिस प्रकार से हमारे घरों में क्या होती है, लिजार्ड्स होती हैं, छिपकलियां होती हैं, जो क्या करती हैं, सारी के सारे आपके मच्छरों को खाती हैं और आपके एनवायरनमेंट को क्लीन करती हैं। ठीक उसी तरीके से गिद्ध जितनी भी डेड बॉडीज होती है ना, उनको खा करके आपके एनवायरनमेंट को क्लीन करता है। और यही गिद्ध अगर समाप्त हो जाएगा तो हमारा पूरा का पूरा एनवायरनमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। सो उत्तर प्रदेश में क्या किया है, अपना राज्य में यानी कि उत्तर प्रदेश में गिद्ध के संरक्षण का केंद्र स्थापित किया है। एंड अगर आपसे कभी पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में वो कौन सा जिला है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो आपको याद रखना है, अगर किसी को आंसर पता हो तो प्लीज मुझे बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का, इस क्वेश्चन से ये रिलेट करके आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, कि उत्तर प्रदेश का वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे ये करा जा रहा है काम। किसी को पता है, किसी को आइडिया? या तो फिर आपसे यूपी का डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा या तो फिर आपसे स्टेट पूछी जाएगी। आशी, प्रदीप, अलका, ओम, दीप, सभी लोग आंसर करेंगे एंड बाकी सारे लोग आंसर करेंगे जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, वेलकम अभिनव। ओके, 19,000 के लैप। ओके, क्लास रुक रुक के चल रही है, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेती हूँ, ठीक है? ओके, अभी फाइन, ठीक है? अब से सबको दिख रहा है प्रॉपर, सभी को दिख रहा है? क्लास फिर रुक गई, ओम को दिख रही है, नवनीत आपको दिख रही है, अलका, चलो ठीक है, सभी लोग क्वाइट। ओके, MQYB, मैम QYB, ओके, मे बी बी, ओके, हरियाणा। आंसर आपका ए है, उत्तर प्रदेश है, पहली चीज है। और उत्तर प्रदेश का जो आपका डिस्ट्रिक्ट है जहां पे खुल रहा है वो है आपका महाराजगंज। और इसके साथ साथ में मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बता देती हूँ जो आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में, क्या, कि पहली चीज तो ये कि गिद्ध जो है हमारा लुप्त होने वाला प्राणी है, वल्नरेबल है, ठीक है। सेकेंड थिंग ये कि भारत के उत्तर प्रदेश में ओपन हो रहा है, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, 75 जिलों में से एक में हो रहा है। तीसरी चीज के बाद में जो आपकी चौथी चीज है वो ये कि यूपी का ये पहला ही आपका ऐसा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र है, ठीक है? तो पहले का आंसर आप सभी लोगों को क्लियर हो गया, ए है उत्तर इसका, एंड यूपी करंट अफेयर्स में ही आ सकता है, सो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ लेती हूँ और आपसे पूछ रही हूँ, इसका आंसर भी आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश को पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के रूप में चुना गया था, ठीक है? ए इसराइल को, बी ईरान को, सी वेनेजुएला को, एंड डी है आपका सऊदी अरब को। सो पोल मैंने क्रिएट किया एंड फटाफट से सब लोग क्या करेंगे, इस पोल का आंसर करेंगे। आप सभी लोगों के आंसर पोल में मुझे दिख जाएंगे। सो आ जाइए, आपका आंसर मैंने यहाँ पे कर दिया है पोल क्रिएट एंड आपका जो आंसर है वो यहाँ पे मिल जाएगा। क्लास रुकी हुई है अभी ओके, मैं फिर से एक बार रिफ्रेश कर दे रही हूँ, क्वाइट प्रॉपर। ओके, अभी चल रही है, प्लीज मुझे बताएंगे बाय। ओके, ओम रुक रही है, अभी भी रुकी हुई है, अभी चल रही कि नहीं चल रही है? फिर से मैं क्वेश्चन पूछ लूं, फिर से मैं पोल क्रिएट कर दूं? चलो भाई, आपसे फिर से बोला जा रहा है क्या कि हाल ही में, मैं फिर से बोल दे रही हूँ, जॉय। ओके, थैंक यू, पोल स्लो हो रहा है, मैं फिर से एक बार कर देती हूँ, ठीक है? हाल ही में किस देश को पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के लिए चुना गया था, ठीक? ए इसराइल, बी ईरान, सी वेनेजुएला, एंड डी है सऊदी अरब। एंड मैंने पोल क्रिएट किया हुआ है आपका एंड आंसर भी मैंने कर दिया है, सब लोग आंसर करेंगे, नमस्ते, ठीक है? सब लोग फटाफट से, स्मृति, नो ऑडियो नो वीडियो, एनीवन हैज द सिमिलर प्रॉब्लम? किसी को सिमिलर प्रॉब्लम है? जॉय नमस्ते, पोल में आंसर मैं कर रही हूँ, पोल का जो करेक्ट आंसर आप लोगों को दिखता है वो मैं आंसर करती हूँ। पोल वाले आंसर को आप लोग करेंगे, मतलब आंसर समझेंगे, ठीक है? सारे लोगों को पोल में आंसर करना है, सारे लोगों को कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करना है इफ यू आर एबल टू आंसर, जो भी आपके प्लस सब्सक्राइबर हैं। आशी अगेन, नो ऑडियो नो वीडियो, मैं विजिबल हूं कि नहीं हूं?
मैं विजिबल हूं कि नहीं हूं प्लीज मुझे बता देंगे, मैं परेशान हो जाऊंगी ऐसे। मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे रही हूँ, एक बार प्लीज मुझे बताइएगा। ओके ओके अगेन। कुछ आया यार, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आई हूं मैं। दीप आ गया, थोड़ा स्लो स्लो आंसर करो, मैं थोड़ा स्लो स्लो आंसर करूंगी। हाँ सिर्फ दो ही क्वेश्चन हुए हैं अभी तक आपकी क्लास में, ठीक है। चलिए आशी आ जाओ, आप सब लोग आंसर करना, सब क्वेश्चन का कोशिश करना कि आंसर करो। जितने भी प्लस वाले हैं वो आई थिंक मेरे हिसाब से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पाओगे, एंड दोज हु कैन नॉट एबल टू कमेंट प्लीज आप आंसर देख लीजिएगा, आपको ऑडियो सुनाई देगा, आप आंसर देख लीजिएगा, आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। चलिए नमस्ते जॉय। चलो आपसे बोला गया है कि हाल ही में किस देश को पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के रूप में चुना गया था। सो इसका जो आंसर है मे बी पोल के थ्रू नहीं आपको पता चल पाया होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर है डी सऊदी अरब। सऊदी अरब को आपका यूनेस्को के द्वारा क्या किया गया था, आपका चुना गया था विश्व धरोहर स्थल के रूप में, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है और आपसे पूछ रहे हैं इसमें क्या, ठीक। आपका ऑप्शन है ये कि किस राष्ट्र के राष्ट्रपति ने हांगकांग के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में दो कानूनों पर हस्ताक्षर किए हैं। ए है फिलीपींस, बी है यूएस, सी है फ्रांस एंड डी है इंडिया, यानी कि अपना भारत। एंड मैं पोल क्रिएट कर दे रही हूं, आप लोग पोल के थ्रू अपना क्या करोगे, आंसर करोगे, सबको आंसर करना है। ओके वेरी गुड वेरी गुड, यहाँ पे मुझे सभी लोगों के आंसर्स मिल रहे हैं, वेरी गुड। एंड अलका ने 1.4 सेकेंड में आंसर दिया है, वेरी गुड, दिस इज वेरी ऑसम, दिस इज समथिंग लाइक मैं कौन बनेगा करोड़पति देख रही हूँ, एंड सबके आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। सो 15% ए है, 85% बी है, एंड सभी ने आंसर करना है। बहुत सारे फ्लेम्स मिलते हैं, आशी को 2.8 सेकेंड में किया है आशी ने आंसर, 20 सेकेंड में भास्कर ने आंसर किया है, एंड अपडेटिंग ओवरऑल पोल लीडर बोर्ड। ओके वेरी गुड, दीप चैम अलका नंबर 1 पे है, दीप नंबर 2 पे है एंड आशी नंबर 3 पे है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों के लिए ये भी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, वेरी गुड। आई एम वेरी ग्लैड ग्लैड कि अनअकैडमी पे ये भी प्रोसीजर है आपका, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपसे बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है क्या, कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में अब्दुल्ला यामीन को 5 साल की जेल हुई है, ठीक है। वो किस राष्ट्र के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, ए बांग्लादेश के, बी इंडोनेशिया के, सी मालदीव के, एंड डी है मिस्र के। एंड आई होप आप लोग जल्दी से आंसर करोगे, मैं पोल क्रिएट करने जा रही हूँ, फटाफट से इसका आंसर कर दो सभी लोग जल्दी से। हाँ आपके में नवनीत फर्स्ट दिख रहे हैं, मेरे में तो आशी अलका दिख रही है फर्स्ट, नंबरिंग्स देखिएगा सबको करना है। ओके प्रमोद तिवारी जी ने 1.4 सेकेंड में किया है, विजय राय 2.4 सेकेंड में, ओवरऑल मुझे दिखाएंगे एंड मैं बताऊंगी आप लोगों को कि कौन सा सही आंसर है। 12% ए है, 18% बी है, 59% सी है एंड 12% डी है। और अगर आप लोगों को ये करंट अफेयर्स का सेशन अच्छा लगे तो मैं चाहती हूँ आप लोगों से कि आप लोग दिसंबर से फिर इसको ज्वाइन करिएगा, हम लोग दिसंबर से फिर से ये वाला सीजन चलाएंगे। ओके नंबर 1 पे है आशी पांडे, नंबर 2 पे है अलका राणा, नंबर 3 पे है दीपचंद। ओके कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी गुड, सो थैंक यू, ठीक है। आप सभी लोगों का आंसर जो है वो आपका क्या है, सी है मालदीव्स है, मालदीव्स के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है अब्दुल्ला यामीन, इनको 5 साल की जेल हुई है, ये अपने पर्सनल खर्चों के लिए क्या कर रहे थे, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे एंड उसी के लिए करी जाती है नो डाउट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और आपसे बोला जा रहा है, ये आंसर अलका को पता होगा, अलका ने मुझे कल रिमाइंड कराया था एंड मैंने आज करंट अफेयर्स पढ़ी है, कि दमन और दीव और दादर और नगर हवेली के विलय के बाद भारत के पास कुल कितने यूनियन टेरिटरीज रह जाएंगे, टोटल आपके केंद्र शासित प्रदेश रह जाएंगे, 6 रह जाएंगे, 7 रह जाएंगे, 8 रह जाएंगे या 9 रह जाएंगे। और मैं आप पोल क्रिएट कर रही हूँ, सो आप लोग क्या करोगे, फटाफट से इसका आंसर करोगे एंड आपका जो आंसर होगा वो यहाँ पे आएगा, सो फटाफट से अपने अपने आंसर कर दीजिए। नवनीत ने 1.1 सेकेंड में, ओके दिस इज वेरी कूल, 61% सी, 57% सी है, वेलकम अविरल, आप क्लास में नहीं आए थे अविरल, मैं वेट कर रही थी आपका, नमस्ते, ठीक है, दिस इज वेरी कूल एंड मेरे लिए बहुत अच्छा है और आप लोगों का भी कंपटीशन कितना अच्छा चल रहा है, आप तैयारी कर सकते हो यहाँ पे। एंड आगे अविरल, सॉरी नो वरी, कोई बात नहीं, मैं स्टार्टिंग में बहुत डरियाई थी सबको पता है, मैंने सबके ऊपर बहुत गुस्सा निकाला था स्टार्टिंग में। ओके अलका नंबर 1 पे है, प्रमोद नंबर 3 पे है, दीप नंबर 2 पे है,
कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को, ठीक है। एंड बढ़िया है, देखते हैं कि ओवरऑल पूरा का पूरा जो क्विज होता है उसमें कौन आगे बढ़ता है, ठीक है। हाँ मैं गरिया रही थी, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो 8 है। सो दमन और दीव और दादर और नगर हवेली का जब हम लोग का विलय हो जाएगा ना, तो दमन और दीव, दादर और नगर हवेली ये यूनियन टेरिटरी पूरी कंबाइंड ही कहलाएगी। वेलकम सुधा मिश्रा जी, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड होपफुली मुझे क्वेश्चन ज्यादा लाने चाहिए थे, मैं कम लेके आई। आप लोग बहुत क्विक हो और बहुत फास्ट आंसर कर रहे हो सारे के सारे क्वेश्चन का। सो मैं और भी क्वेश्चन पूछूंगी, मैं आपसे ओरली पूछूंगी एंड उसके लिए पोल तो क्रिएट मैं कर दूंगी, ऐसे ही आप लोग आंसर करिएगा, टाइप नहीं होंगे बट नो डाउट मैं आंसर भी आपको करूंगी। So, आपसे बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत में जापान के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। इसके साथ में एक आपका मैं क्रॉस क्वेश्चन भी करूंगी आपसे, आप लोग उसका आंसर करिएगा मुझको। ए जियोंग किरेंट को, बी किम की नाम को, सी सतोशी सुजुकी को एंड डी है अबिदा वोंग को। सो आपका मैं पोल क्रिएट कर दे रही हूँ एंड इसका आंसर आप लोग करोगे फटाफट से। इसका आंसर मैं देखना चाहती हूँ कौन इसका आंसर करता है जल्दी से। वेलकम सुधा, वेलकम साकेत। एंड 2% सी है, अविरल ने सी आंसर दी, विरल अविरल ने आंसर सी दिया है। वैसे आपका नाम विरल होना चाहिए, विरल आचार्य। ओके सो 81% सी है, 13% डी है, 6% बी है, 8% 0% ए है। एंड यहाँ पे प्रमोद ने 1.7 सेकंड्स लिए हैं आंसर करने में। आपको 4 फ्लेम्स मिले हैं 1.9 सेकंड के साथ में, दीप को मिले हैं 2 फ्लेम्स, 1 फ्लेम मिला है नागेंद्र को 2.4 सेकंड के साथ में, 4.3 सेकंड्स के साथ में भास्कर पांडे को 4 फ्लेम्स मिले हैं। एंड अपडेटिंग कर रहे हैं ओवरऑल पोल को, सो लीडर पता चलेंगे। दीप आप नंबर 1 पे हैं, नवनीत नंबर 3 पे, नवनीत कुमार आप नंबर 3 पे हैं, प्रमोद तिवारी आप नंबर 2 पे हैं। सो होपफुली आप लोग नंबर 1 पे आने के लिए जोर से मशक्कत कर रहे हो एंड आप जीत रहे हो आगे। सो बेसिकली आपको बता दूं कि जापान के राजदूत के रूप में सतोशी सुजुकी आपके क्या हो रहे हैं, भारत में नियुक्त हो रहे हैं। इसके साथ साथ में इनको और कौन से देश की क्या मिल रही है आपका राजदूत बनने का बोल रहे हैं, साथ में कार्यभार मिल रहा है, तो उस नाम का, उस देश का नाम आप बता सकते हो मुझको, जापान के राजदूत या भारत में जापान के राजदूत बन आएंगे इसके साथ साथ, भारत के साथ साथ, और वो कौन सा दूसरा देश होगा जिसके राज्यपाल ये या राजदूत बनेंगे, एम्बेसडर बनेंगे। ऑप्शन में दे देती हूँ, ए है आपका बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश ऑप्शन नंबर ए है, इसका भी आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर बी है आपका श्रीलंका, श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी है आपका भूटान। एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका, आप बोलोगे यहाँ पे अफगानिस्तान, ठीक है। सो अब इसके पोल पे आंसर दीजिएगा, ए बी सी एंड डी है और आपको आंसर करना है। मैंने पोल क्रिएट कर दिया है तो आंसर फटाफट से करेंगे सब लोग इसका, ठीक है। अगेन मैंने क्वेश्चन पूछा है कि किसको इसके साथ में दे रहे हैं। ओके ओनली 4 पीपल आर देन इन पोल। नवनीत ने आंसर किया, विनीत ने आंसर किया, सबको आंसर करना है, मनोज को भी आंसर करना है और सबके आंसर कमेंट आ रहे हैं, ठीक है। नमस्ते, ओके वेलकम हृदय, नमस्ते जॉय, बार बार नमस्ते किस लिए। 36% सी, 21% बी, 43% ए एंड करेक्ट आंसर पता होना बनता है, यानी कि मैंने सही क्वेश्चन किया एंड सही क्रॉस क्वेश्चन किया। नमस्ते चंद्र प्रकाश, आज आप लोग एबल हो आंसर करने में, चंद्र प्रकाश मैं होप करूंगी। प्रमोद तिवारी फर्स्ट नंबर पे है, नवनीत कुमार आपके सेकंड नंबर पे है, नवनीत सिंह थर्ड नंबर पे है, दोनों नवनीतों में टक्कर चल रही है। प्रमोद आप सबको बीट करते हुए नंबर 1 पे आ रहे हैं। अलका आर यू देयर और नॉट, आशी अलका मेरे परमानेंट स्टूडेंट्स, आप लोगों को भी आंसर करने हैं। चंद्र पोल आप कर सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में आपका नमस्ते भी मुझे दिख रहा है। सो होपफुली ये सारी चीजें आपके लिए सही रहेंगी। तो मैं आपको बता दूं कि जापान के सतोशी सुजुकी ये क्या कर रहे हैं आपके, ये भारत में जापान के और भारत के साथ साथ में भूटान के राजदूत बनकर के आ रहे हैं, तो ये भारत और भूटान दोनों की एक साथ कार्यभार संभालेंगे, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ लेती हूँ एंड इसमें आपसे बोल रहे हैं कि न्यूजीलैंड मोबिलिटी समिट 2019 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है, ठीक है। आपका ऑप्शन क्या है, ए महाराष्ट्र कर रहा है, बी मध्य प्रदेश कर रहा है, सी गुजरात कर रहा है या डी कर रहा है हरियाणा। सो मैं पोल क्रिएट कर रही हूँ एंड इसका आप लोग आंसर करोगे फटाफट से, सब लोग करेंगे। आवाज रुक गई, ओके ओम के में भी आवाज रुक गई, ओए मैं रिफ्रेश कर लूं क्या एक बार फिर से, शुड आई, मैं रिफ्रेश करती हूँ एक मिनट रुकिएगा। एक्चुअली में लोड ज्यादा है, बच्चे ज्यादा हैं इसलिए काम हो रहा है, तो मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ, मैं बहुत खुश हूं। चलिए अभी मैं विजुअल हूं, ट्रबल साइट में प्रॉब्लम आ गई है, भीड़ आ गई भी यहाँ पे, अभी दिख रहा है, मैं दिख रही हूँ, मेरी आवाज आ रही है, मैं बोल पा रही हूँ, आई मैं कि नहीं आई, यार मेरा बर्बाद मत हो जाए, बहुत अच्छा आ रहा है यार रिस्पॉन्स सबका,
मैं आ रही हूं, मैं कमेंट करती हूं एक बार। प्लीज बता दो, प्लीज प्लीज प्लीज। नो, एक बार फिर से रिफ्रेश कर लूं। यार गलत बात है, मैं प्लस से सपोर्ट मांगती हूँ। एक बार मैं क्या करती हूँ, मैं सपोर्ट लेती हूँ, ठीक है? रुकिएगा, कोई जाएगा नहीं, आप लोगों की क्लास यहाँ पे आएगी। मैं एक बार सपोर्ट ले रही हूँ टीम से, सो रुकिएगा। ओके, 1 मिनट। फाइनली, चलिए आ जाइए। अभी सबको दिख रही हूं ना, रुक जाना। जब थोड़ा सा लोड ज्यादा होता है तो ये प्रॉब्लम बीच बीच में आती है, ठीक है? तो सबसे मैं बोलूंगी, क्वेश्चंस अच्छे हैं, पेशेंस बना के रखिएगा। ये सोच लीजिएगा कि आपके घर का नेट है, थोड़ा सा स्लो चल रहा है, एंड उस तरीके से मेरा सपोर्ट करिएगा सभी लोग, ठीक है? क्योंकि आप लोगों की ज्यादा देर तक देखने से ना मेरी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, मैं खुश हो जाती हूँ, ठीक है? आ जाओ। सो आपसे बोला जा रहा है कि न्यूजेन मोबिलिटी समिट 2019 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है, ठीक है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात एंड डी है हरियाणा। अगेन आई एम क्रिएटिंग अ पोल एंड यू पीपल नीड टू गिव आंसर, ठीक है? तो आंसर फटाफट से करेंगे सभी लोग, जल्दी से सबको करना है, एंड फटाफट से सब आंसर करेंगे इस चीज का, इस क्वेश्चन का, ठीक है? ओके, कौन आ रहा है फर्स्ट? ओके, 29% डी है, 21% सी है। ओके, प्रमोद फर्स्ट नंबर पे है, नवनीत सेकंड नंबर पे है, नवनीत सिंह थर्ड नंबर पे है। अलका बेटा कहाँ गए आप? आ जाओ, शेयर विद लर्नर्स। ओके, सो आंसर मैं बता दूं कि हरियाणा में आपका इंटरनेशनल, आप बोलोगे कि इसका नाम है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव आपका टेक्नोलॉजी, ठीक है? इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, ठीक है? इसके द्वारा हरियाणा के मानेसर में, ठीक है, हरियाणा के मानेसर में आपका, या मानेसर जो प्लांट बना हुआ है वहां पे क्या किया गया, प्लांट वन में आपका, आप बोलोगे कि 27 से लेकर के 29th of November तक, ये अभी की बहुत रिसेंट की है, आपका क्या किया गया है, आपका मेजबानी कंडक्ट करी जा रही है हरियाणा राज्य के द्वारा, ठीक है? एंड ऑब्वियस है कि हरियाणा, आपको पता होगा, गुरुग्राम आपको पता होगा, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, चाहे आप बोलो कि न्यू जनरेशन, न्यू जेन, यहाँ पे न्यू जनरेशन है, मोबिलिटी सेंटर है, समिट है आपका, एक तरीके से इसका मेन पर्पस यही है कि हम टेक्नोलॉजी को ज्यादा अडॉप्ट करें और अपने राज्य में उसका क्या करें, एक्सपेंडिचर एक्सपेंड करें उसको, ठीक है? सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। अलका, एक्चुअली में थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, आपका प्रेशर है, बहुत सारे लर्नर्स हैं यहाँ पे, इसलिए पॉज अगेन, मैं एक बार इंटरनेट चेक कर लूँ अपना, मेरा इंटरनेट सही चल रहा है, क्योंकि मेरे यहाँ पे मिनट्स आपके प्रॉपर तरीके से दिख रहे हैं। मे बी देयर इज सम प्रॉब्लम इन अन अकेडमी साइड, सो मैं रिफ्रेश कर देती हूँ इसको एक बार। फाइन नाउ, ओके, चलो ठीक है, भूख लग रही, आ जाओ। आंसर क्या है यहाँ पे, डी है, हरियाणा है, और हरियाणा का क्या है आपका, गुरुग्राम के निकट मानेसर प्लांट है। अभी भी नहीं दिख रही हूँ क्या आकाश? हाय, बट मैं दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ? कौन सोच रहा है बेटू? यार मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? मैंने सपोर्ट से बात करी है।
दिख रही हूं मैं? बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे पास में। पांडे जी कुछ करो। अरे नेट चल रहा है, मैं एक बार फिर से नेट को रिफ्रेश कर ले रही हूँ, रुको। नेट इज कनेक्टेड एंड इट इज गुड। नेट बिल्कुल ठीक है, मेरा चल रहा है। यार यही होता है हमेशा। पंकज कुछ करो यार, तुम ही लोग कर दो, क्लास नहीं आ रही है। जॉय मैं दिख रही हूं, बता दो। यार रो मत प्लीज, अभी मैं दिखी। अरे मैं आ रही हूं, मैं आ रही हूं, मैं दिख रही हूं। अलका रो मत। आ गई आ गई आ गई। चलो चलो यार, मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आ जाओ। ठीक है, इसका आंसर पता चला ना? मैंने आपसे क्या बोला कि गुरुग्राम के निकट मानेसर के प्लांट फर्स्ट में आपका 27 से लेके 29 नवंबर के बीच में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या किया गया, आपका एक समिट किया गया, जिसकी बोलोगे पूरा का पूरा स्पॉन्सरशिप, या बोलोगे जिसकी मेजबानी करी थी, वो किसने करी थी? हरियाणा ने करी थी। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आपसे बोल रहे हैं कि 3 दिवसीय यानी कि 3 दिन का राष्ट्रमंडल युवा संसद की मेजबानी करने वाले या करने के लिए किस राज्य की विधानसभा को निर्धारित किया गया है? ए दिल्ली, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक एंड डी है आपका तेलंगाना। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपको क्या करना है, आंसर करना है कि 3 दिवसीय राष्ट्रमंडल की जो आपकी मेजबानी है वो किसके द्वारा करी जा रही है। ठीक है, सो आंसर मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, पोल क्रिएट कर देती हूँ एंड आंसर करो। आ जाओ भाई, वेलकम नवीन दुबे जी। ओके 1.1 सेकेंड के साथ में नवनीत कुमार, सौरभ पांडे फ्रॉम 1.2 सेकेंड, आशी पांडे 2.1 सेकेंड, नवनीत सिंह 177.2 सेकेंड एंड 9.2 सेकेंड के साथ में साकेत मैम। ओके मैम, ओके ठीक है। देन 11.5 सेकेंड के साथ इमरान अहमद अंसारी जी हैं, 12.0 सेकेंड के साथ में अविरल वाजपेयी जी हैं एंड ओवरऑल वेलकम अमित इक्का जी। ओके अपडेटिंग ओवरऑल पोल लीडर बोर्ड, 44% ये बोल रहे हैं। फर्स्ट नंबर पे नवनीत कुमार है, वेल डन नवनीत। एंड सेकंड में नवनीत सिंह है, थर्ड पे प्रमोद तिवारी है। अलका जी आप ही चली गई, बाकी इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। अलका यार मेरे बच्चे आगे आओ यार, कौन वो कंपटीशन चल रहा है। आंसर क्या है आपका? दिल्ली है। ठीक है तो आपका ए है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे बोल रहे हैं यस मेरे बच्चे आगे रहने चाहिए और मुझे सबका नंबर चाहिए आपका प्री में। ठीक है प्री में सब सेलेक्टेड चाहिए मुझे। ए किस राज्य सरकार ने फाइलेरिया के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू किया है? ए उत्तराखंड ने, बी हरियाणा ने, सी राजस्थान ने या डी है उत्तर प्रदेश ने। एंड आपको क्या करना है, इसका आंसर करना है। मैंने पोल क्रिएट कर दिया है, फटाफट से आंसर करो। एंड नमस्ते जिसने भी नमस्ते किया है, वेलकम अभिषेक मिश्रा जी, नमस्ते। ओके अलका ने 1.0 सेकेंड में 1 सेकेंड में आंसर दे दिया, वेरी गुड अलका, आ जाइए।
ठीक है, 56%, 59% डी है, 29% सी है, 12% ए है एंड 0% बी है। हरियाणा किसी को नहीं लग रहा, आशी ने डी दिया है आंसर। अगेन क्या कुछ रिफ्रेश करने वाला इश्यू है? नमस्ते, मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ जब आप लोगों का मैं अच्छा सा देखती हूँ एंड पोल अपडेट हो रहा है। अलका यहाँ पे फर्स्ट, अलका आप फर्स्ट क्यों नहीं हो यार? वन पे नवनीत कुमार है, नवनीत सिंह सेकंड नंबर पे एंड भास्कर पांडे जी थर्ड नंबर पे है। अगेन अलका 12 आउट ऑफ 4 आपका हुआ है 1.3 सेकंड में, आपके मार्क्स आ रहे हैं 12 आउट ऑफ 4। ठीक है, देन आंसर आपका उत्तर प्रदेश। और मैं आपको बता दूं कि जो केंद्र सरकार है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो केंद्र ऐसा नहीं है कि मैं बाइस हूँ, मैं सभी को चाहती हूँ सब आगे बढ़े। एंड ऑब्वियस अगर मेरे स्टूडेंट पीछे रहेंगे जो मेरे को रेगुलर देखते हैं, तो मैं उनको बहुत ज्यादा प्रेशराइज करूंगी कि पढ़ो 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 पढ़ो, और वो प्रेशर में टॉप कर जाएंगे। ठीक है, सो केंद्र सरकार ने बोला है, अलका आपकी बार आएगा, तुरंत आंसर कर देना। ठीक है, आपके में सब उल्टा दिख रहा, मेरे में सब कुछ सही दिख रहा है। केंद्र सरकार ने 2021 तक इरेडिकेट करने की बात कही है, किसको? आपकी फाइलेरिया को। फाइलेरिया जिसको हम लोग हाथी पांव भी बोलते हैं, ठीक है, हाथी पांव। इसमें पांव जो होता है वो आपका क्या होता है, सूज जाता है। जवाब आप बहुत जल्दी करते हो, बिल्कुल 1 सेकंड में करते हो, पर पता नहीं क्या हो रहा है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और आपसे इसमें पूछा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के लिए अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए मलाला यूसुफजई को, बी जूलिया ब्रूसेल्स को, सी ग्रेटा थुनबर्ग को एंड डी है आपका रेबेका जॉनसन को। ठीक है, सो आपका मैं पोल यहाँ पे क्या कर दे रही हूँ, क्रिएट कर दे रही हूँ एंड आपका जो पोल का आंसर है वो क्या है, ये मुझे मैंने बता दिया है, आपको बताना है। इसके बाद मैं एक क्रॉस क्वेश्चन पूछूंगी, आंसर सब लोग करोगे जिन्होंने भी सही आंसर किया होगा। 67% सी है, 20% बी है एंड 13% डी है। बहुत मुझे मजा आ रही है, पता है रात में 10 बजे से 11:30 बजे तक, वैसे मुझे स्कूटी और बाइक चलाना पसंद है सड़क में, एंड यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ और सबसे बड़ी बात अपने घर में बैठ के पढ़ा रही हूँ और आप सभी लोगों से कनेक्ट कर रही हूँ। तो मुझे मेरे घर से बहुत एंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट मिल रहा है, मजा आ रही है। ओके, फाइनल पोल अपडेट हो रहा है एंड देखते हैं इस बार कौन आंसर करता है। पहले नवनीत सिंह फर्स्ट नंबर पे है, नवनीत कुमार सेकंड नंबर पे एंड भास्कर जी हैं आपके, भास्कर पांडे जी थर्ड नंबर पे। सो वेरी गुड, वेल डन, आप लोग ऐसे ही आगे बढ़े। शेयर विद लर्नर्स ऑल्सो, और सारे के सारे लर्नर्स के साथ में मुझे शेयर भी करना है, मैं कर नहीं पाती हूँ, सॉरी। देन इसका आंसर, इसका एक आपका क्या है, आपसे एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा वो मैं आपको बता दे रही हूँ एंड आपके ऑप्शन में क्रिएट करूंगी यहाँ पे। जो शांति या अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित जो ग्रेटा थुनबर्ग है वो किस राष्ट्र से, किस देश से बिलोंग करती है? आपके ऑप्शंस हैं ए बी सी एंड डी। ए है आपका फ्रांस, ठीक है, बी है आपका अमेरिका, सी है आपका स्वीडन एंड डी है आपका डेनमार्क। तो आप लोगों को इसका आंसर करना है एंड मैंने पोल क्रिएट किया हुआ है, और आप लोग इसको क्या करोगे, आंसर करोगे फटाफट से, इसका आंसर कर देंगे। ओके, पहले ही सेविरल ने आंसर कर दिया है सी, और अलका ने भी आंसर कर दिया है सी। पोल में गड़बड़ है शायद, मैं सबको बताऊंगी अभी, लर्नर्स के साथ में मैं शेयर करूंगी जो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड है कैंडिडेट, तो आप सभी लोग में मोटिवेशन आएगा और आप सभी लोग फर्स्ट आने की कोशिश करोगे सभी लोग। ठीक है, सो 88% सी है, 6% ए है एंड 6% डी है। कुछ लोगों को लगता है फ्रांस है, कुछ लोगों को लगता है डेनमार्क है एंड 88% लोगों को लगता है या एस्पिरेंट्स को लगता है कि सी है। सो वेलकम दीपक कुमार तिवारी जी, अगेन यू आर वेरी लेट। एंड चंद्र प्रकाश मिश्रा को 3 फ्रेम्स मिले हैं, इन्होंने 6.5 सेकंड में आंसर किया है एंड मैं लर्नर्स के साथ में शेयर कर दे रही हूँ, मैंने शेयर कर दिया है लर्नर्स के साथ में। लीडर बोर्ड इज करेंटली विजिबल टू द लर्नर, ठीक है, अभी सबको दिख रहा है आंसर लीडर बोर्ड का। देन आगे बढ़ लेते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। इसका आंसर है स्वीडन, स्वीडिश आपकी है ग्रेटा थनबर्ग, ठीक है। देन नहीं दिखा, खाना बना रहे थे दीपक जी, क्या बनाया खाने में? आ जाओ अच्छे वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे नेक्स्ट, ठीक है, क्या बनाया खाने में? मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया, आप खाना बनाने भी लग गए। चलिए 11th नंबर क्वेश्चन है और आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि परिसीमन के पश्चात, यानी कि आपकी जो बाउंड्रीज है वो बनने के बाद में, आपका जम्मू और कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या आप कितनी हो गई है? A 89 हो गई है, B 90 हो गई है, C 91 हो गई है या D हो गई है 88। एंड मैंने पोल यहाँ पे क्रिएट किया, सब लोग इसका आंसर करना एंड सबको इसका आंसर करना, फटाफट से सब आंसर करेंगे। ओके, डिफिकल्ट वन, दिस क्वेश्चन वॉज मेड बाई मी, सो आंसर करना है सबको। ओके,
तो इसके लिए मैंने ना थोड़ा सा लिख करके रखा था अपने पास में, ताकि मैं आपको सही से इन्फॉर्मेशन दे सकूं एंड बता सकूं इसके बारे में. सो 42% बी है एंड लीडर बोर्ड मिले मुझे दिखेगा खिचड़ी. पेट खराब है दीपक, खिचड़ी कौन खाता है यार? मैं बीमार होके खिचड़ी नहीं खाती. नहीं ठीक है, नवनीत सिंह आप फर्स्ट नंबर पे हैं एंड भास्कर पांडे जी सेकंड नंबर पे हैं, नवनीत कुमार थर्ड नंबर पे हैं. इसको लीडर बोर्ड इज करेंटली विजिबल टू द लर्नर्स, ओवरऑल पोल के लीडर बोर्ड है यहाँ पे. देन अलका फोर्थ नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे प्रमोद है, सिक्स नंबर पे चंद्र प्रकाश है, सेवन नंबर पे अविरल है, एट नंबर पे दीप है, नाइन्थ में आशी है एंड टेंथ पे इमरान अहमद जी है. ठीक है, सो ये तो आपका ओवरऑल पोल का आंसर रहा. अब मैं आपको बता दूं कि जब तक जम्मू एंड कश्मीर को क्या मिला हुआ था, स्पेशल प्रोविजन मिला था. यहाँ पे अलका जी को फर्स्ट दिखा रहा है यार, मेरे पास में किसी और को फर्स्ट दिखाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं पूछूंगी ये टीम से कि ऐसी क्या बात है भाई कि मेरे पास अलग आंसर दिखा रहे हैं और आपके पास में अलग आंसर दिखा रहे हैं. ऊपर जो तीन है ना उनको देखिए, अलका जी वैसे फोर्थ नंबर पे थी और आप लोगों के हिसाब से वो फर्स्ट नंबर पे होंगी. ठीक है, दीप को कुछ नहीं शो हुआ? हे भगवान, दिखाता ही नहीं है. मैं बता देती हूँ आंसर, अलका आप फर्स्ट हो. ठीक है, आपके साथ में मेरे वाला केस ना हो, बस एक्साइटमेंट में मेरी सर की नस फट गई थी और मैं क्या कहते हैं ब्लीड कर गई थी और मेरा बीपी बहुत हाई हो गया था. मैंने टॉप किया था जब, तो ये वाली चीजें होती हैं. तो आप लोग ज्यादा खुशी के मारे पागल मत हो जाना. ओवर एक्साइटमेंट में रात में 1 बजे रिजल्ट आया था, पता चले कि ये टाइम फिस हो गया. तो मैं तो कुछ चाहता भी नहीं, चाहती भी नहीं कि ज्यादा कुछ मिल जाए, थोड़ा थोड़ा मिल जाए बढ़िया है. आंसर देखो, आंसर इसका बी है, 90 है. ठीक है, अब थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में देख लेंगे. कूल रहना चाहिए, मैं बहुत सीरियस रहती हूँ पता है. आप लोगों के साथ में मैं खुश रहती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में ज्यादा ज्यादा समय बिताने के लिए आ जाती हूँ. कूल ठीक है, आ जाओ. आ जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर. जब हमारा 370 था वहां पे जब लगा हुआ था ना, तो वहां पे टोटल 111 विधानसभा की क्या थी आपकी, सीटें थी. ठीक है, इन सीटों में से भी आपकी जो 24 सीटें थी वो थी आपकी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की. ठीक है जो है, आ जाओ. तो 24 सीटें पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की जब निकल गई, तो वहां पे बची आपकी कितनी, 87 सीट्स. तो 87 सीट्स पर वहां पे क्या होते थे, विधानसभा के इलेक्शन होते थे. ठीक, अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है. जब हमारा क्या हुआ, जब आपका बोलोगे कि जम्मू कश्मीर से लद्दाख सेपरेट हो गया, तो चार सीटें वहां से क्या हो गई आपकी, लद्दाख चली गई. लद्दाख में आपकी क्या हुई, आपकी चार सीटें चली गई. तो बची कितनी हमारे पास जम्मू कश्मीर में, 83 सीट्स हमारे पास में बची. बट आपको मैं बता दूं कि 83 सीट्स बढ़ने के बाद में जब हम लोगों ने टोटल आपका परिसीमन किया और बोला गया कि 2026 जो हमारा है डेटा, जहां तक हमें पूरा ओवरऑल करना था, अब उसका कोई भी प्रावधान वहां पे क्योंकि नहीं रहा है, तो टोटल यहाँ पे ओवरऑल सीटें जो जम्मू कश्मीर में हो गई वो 114 हो गई. बट अगेन आपकी कुछ सीटें चली गई कहाँ पे, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, यानी कि 24 सीटें चली गई पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में. तो वहां पे प्रेजेंट टाइम में जहां पे हमारा अधिकार क्षेत्र है, वहां पे आपकी 90 सीट्स रह गई हैं. एक बार इसको फिर से समझा दूं, समझना है फिर से सबको. अगेन एनीवन वांट्स टू अंडरस्टैंड दिस थ्योरी अगेन? जी चलो फिर से समझ लेते हैं इसको, मैं क्लियर कर देती हूँ, समझ लो इसको फिर से. देखो भाई आ जाओ. देखिएगा, अब मैं एरम बनाऊंगी. हमारा जो जम्मू कश्मीर है बिफोर बिकमिंग अ यूनियन टेरिटरी आपका, या बोलेंगे आफ्टर आर्टिकल नंबर 370 जब वहां से क्या हो गया था, रिमूव हो गया था, हट गया था, तो वहां पे नंबर ऑफ सीट्स थी क्या पहले वहां पे, 111. ठीक है, 111 सीटें थी. अब क्या हुआ, इन 111 सीटों में से आपकी 24 जो सीट्स थी वो थी कहाँ पे, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में. ठीक है, 24 सीटें पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की, एंड रिमेनिंग सीटें यानी कि आपकी 87 सीट्स किसकी थी, आपकी जम्मू एंड कश्मीर की, जो हमारे यानी कि इंडिया के अधिकार क्षेत्र में था. उसमें से भी जब 87 हमारे पास सीटें थी ना, तो जब जम्मू कश्मीर को हमने सेपरेट किया दो पार्ट्स में, यानी कि दो यूनियन टेरिटरीज हमने बनाई, एक J&K बना दी और एक हमने लद्दाख बना दी, तो जम्मू एंड कश्मीर में टोटल चली गई आपकी कितनी सीट्स, 83 सीट्स चली गई किसकी, विधानसभा की. और आपका जो लद्दाख है वहां पे चली गई सीट्स कितनी, चार विधानसभा की सीटें चली गई. तो हमारे पास बची कितनी, 83 सीटें थी ना हमारे पास में. तो इन 83 सीटों के बाद में आपका क्या हुआ, आपकी कुछ सीटें, क्योंकि हमारा हम लोग को पता है कि 2026 तक की हमारी जो लोकसभा की सीटें हैं वो 2026 तक कितनी रहने वाली है, 552 रहने वाली है.
2026 के पहले हम लोग फिर से क्या कर लेंगे, परिसीमन कर लेंगे, पॉपुलेशन चेक कर लेंगे 2021 में, तो हमारी लोकसभा की सीटों की बढ़ने की क्या है उम्मीद है, तो उसके हिसाब से वहां पे आपका 2026 का प्रोविजन हट गया, प्रावधान हट गया, तो आपके जो टोटल नंबर ऑफ सीटें हो गई वो कितनी हो गई, 114 हो गई, जिनमें से अगेन 24 कहाँ चली जाएंगी आपके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में चली जाएंगी, तो बचेंगे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी, 19। तो 90 सीटें हैं हमारे पास कहां से, आपके जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की विधानसभा के पास में। अब मुझे कोई ये बताएगा कि प्रेजेंट टाइम में जम्मू एंड कश्मीर से लोकसभा में कितनी सीटें हैं, किसी को भी पता है? मैं बोल दे रही हूँ यहाँ पे ऑप्शंस आपको, ए बी सी एंड डी, एंड ऑप्शन है 1, 2, 3 एंड 4, और पोल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, तो फटाफट से इसका आंसर करेंगे कि कितने सीटें हैं अभी प्रेजेंट टाइम में लोकसभा में जम्मू एंड कश्मीर से। बी 20%, सी 10%, डी है 69%, 8%, 23%, 75% डी है। सो फटाफट से आपको आंसर करना है। ओके, डी अविरल, दीपक डी, आशी डी, ओम डी। ओके मैम, देयर इज अ इश्यू, प्लीज रिफ्रेश। ओके, प्रीवियस है ये, आई डोंट वांट टू आंसर इट, अभी मैं विजिबल हूं ना प्रॉपर। चंद्र प्रकाश का भी आंसर आ गया है, सबका आंसर आ गया है, अपडेट कर रहे हैं ओवरऑल लीडर बोर्ड को। सो अलका ने यस किया है आंसर, नवनीत सिंह फर्स्ट नंबर पे हैं, अलका थर्ड नंबर, अलका आप थर्ड नंबर पे हो, बधाई हो, आप टॉप थ्री में आ गई हो, एंड भास्कर नंबर टू पे है, एंड मैंने शेयर कर दिया विद लर्नर्स, आपके सबके साथ में सारे के सारे लोग शेयर हो चुके हैं, 2 सेकंड में, 2.5 सेकंड में समथिंग आंसर किया है। तो थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे प्रमोद तिवारी जी हैं, फिफ्थ नंबर पे नवनीत कुमार है, चंद्र प्रकाश 6 नंबर पे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अविरल 7 नंबर पे, दीप आप 8 नंबर पे, 9 नंबर पे इमरान अहमद है, 10 नंबर पे आशी है। ठीक है, सो अलका कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर इन टॉप थ्री। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, आपसे बोल रहे हैं कि हाल ही में उत्तराखंड में ऊर्जा गिरी अभियान चलाया गया है। नहीं बेटा, बेकार थोड़ी हो, आप सीख रहे हो चीजें, जो लोग स्लो लर्नर्स, मैं बताऊं मैं स्लो लर्नर्स थी, हमेशा से एवरेज थी मैं, तो अभी तो मैं पढ़ा रही हूँ ना, मैं बेकार हूँ। हाल ही में उत्तराखंड में ऊर्जा गिरी अभियान चलाया गया है, यह अभियान किस क्षेत्र से संबंधित है? ए जल विद्युत से, बी बिजली की चोरी से, सी कोयला खनन से, या डी उपयुक्त सभी से। सो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं पोल क्रिएट कर रही हूँ, एंड आपको आंसर करना है यहाँ पे, एंड फटाफट से आंसर करेंगे सब लोग इसका। ओके, 15% ए बोल रहे हैं, 16% ए बोल रहे हैं, 53% बी बोल रहे हैं, 50% बी बोल रहे हैं, एंड सौरभ पांडे ने 1.3 सेकंड में आंसर किया है, ओम ने 1.3 सेकंड में आंसर किया है, आशी ने 1.4 सेकंड में आंसर किया है, एंड सबने अपने अपने आंसर कर दिए हैं। सो इसका भी आंसर आप लोग करोगे जल्दी से। चलिए, एंड मैं लीडर बोर्ड के साथ में आपका जो पूरा का पूरा डिस्कशन है इसको शेयर करना चाहती हूँ, सो फटाफट से इसका आंसर कर देंगे। ठीक है, ओके, नवनीत सिंह फर्स्ट है, भास्कर सेकंड है, अलका अगेन थर्ड है, एंड मैं लीडर बोर्ड के साथ में इसको शेयर कर दे रही हूँ लीडर बोर्ड को। फोर्थ नंबर पे नवनीत कुमार है, फिफ्थ पे चंद्र प्रकाश है, चंद्र प्रकाश आप बढ़ रहे हो आगे, सिक्स में प्रमोद है, अविरल है 7 नंबर पे, आशी आप 8 नंबर पे, वेरी गुड, दीप आप 9 नंबर, वेरी गुड, टॉप 10 में है आप सभी लोग। ठीक है, इमरान अहमद आप टॉप 10 में है। ठीक है, सो वेरी गुड, वेल डन। एंड मैं आपको बता दूं कि बेसिकली ये जो अभियान था ये आपका 2 अक्टूबर को 2019 को चलाया गया, एंड 2 अक्टूबर 2019 को ये गांधी जी की 150वीं जयंती से प्रेरित होकर के गांधीगिरी के उपलक्ष्य में किया गया है, और ये भी बोला गया है कि अगर कोई बिजली चोरी करता है, ठीक है, तो और उसके बारे में कोई इन्फॉर्म करता है तो उसको 50,000 रुपए का क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा 50,000 रुपए का, तो 50,000 का इनाम भी मिलेगा आपको। एंड दूसरी चीज है कि जो टोटल लॉस होता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का या गवर्नमेंट का 13%, उसको कम करने की हमारी क्या है पूरी की पूरी योजना है। नवनीत आपका सेकेंड पोजीशन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ऊपर के जो टॉप थ्री हैं वो मुझे दिखा रहे हैं, तो आप जब लीडर बोर्ड में जो आपके बचे हुए रिमेनिंग होते हैं ना उनका दिखाते हैं आंसर। ठीक है, इसलिए आप फिफ्थ नंबर पे थे इसके पहले जब मैंने देखा था। सब टॉपर हो यार, सब टॉप 10 में हो तो आप लोग अच्छे हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपसे बोल रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन, हाल ही में भारत को फ्रांस से पहला राफेल विमान प्राप्त हुआ है, राफेल का अर्थ क्या होता है? ठीक है, ए आंधी, बी पानी, सी अग्नि, एंड डी प्रकाश। सो आपको इसका आंसर करना है, फटाफट से इसका आंसर करेंगे, पोल मैंने क्रिएट किया है, सबको आंसर करना है इसका जल्दी से। 45% ये बोल रहे हैं, 33% ये बोल रहे हैं, एंड जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे सब लोग। और भी मेरे पास करंट अफेयर्स है तो आगे की क्लासेस में मैं और करंट अफेयर्स आप लोगों के लेके आऊंगी। ओके, ओके,
चलिए मैं आपको डिटेल भी दूंगी इसके बारे में, पढ़ के दूंगी मैं, पढ़ के देख के बताऊंगी, क्योंकि मैंने भी आज तैयार किया, बहुत ज्यादा याद नहीं है करंट अफेयर, बट हाँ मैं आप लोगों को बता दूंगी ताकि आप लोग इसको याद करके रख सको। नवनीत सिंह फर्स्ट नंबर पे, अलका थर्ड नंबर पे, एंड भास्कर पांडे सेकंड नंबर पे। आप लोग अपनी अपनी पोजिशन पे आ गए हैं। नवनीत आप फोर्थ नंबर पे हो, चंद्र प्रकाश आप फिफ्थ नंबर पे हो, एंड मैंने शेयर नहीं किया है बट आप लोगों को मैं बता देती हूँ। सो आपको बता दूं कि राफेल जो विमान है ये भारत को हम लोग को पहला है प्राप्त हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि राफेल जो होता है वो फ्रांस में बनता है। तीसरी चीज मैं आपको बता दूं कि 60,000 किलोमीटर, या आप बोलोगे 60,000 फुट की ऊंचाई पर, ठीक है, 60,000 जो आपका फुट होता है ना, उसकी ऊंचाई पर आपका राफेल विमान क्या करता है, ये 1 मिनट में चला जाता है या उड़ के चला जाता है, इसीलिए इसको आंधी का नाम दिया गया है। दूसरी चीज मैं बताऊं आपको यहाँ पे, एक और चीज जो आप लोग जान सकते हो, वो पहली चीज उसमें ये है कि इसकी जो स्पीड है वो 1912 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि प्रति घंटा वो 1912 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है। तीसरी चीज अगर मैं राफेल विमान के बारे में बताऊं तो आपको बता दूं कि इसका जो नाम है इंडिया में वो चेंज हो रहा है, यहाँ पे इसको राफेल विमान के नाम से नहीं जाना जाएगा। भारत और फ्रांस के बीच हुए राफेल के जो समझौते हुए उसमें एक व्यक्ति है जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिनका नाम है आपका आरबी भदौरिया, ठीक है। सो आरबी भदौरिया की वजह से, आरबी भदौरिया भदौरिया के बहुत योगदान की वजह से कि हमारे पास में ये ट्रेड सक्षम हो चुका, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास आ सका, सो उसकी वजह से इसका नाम रखा गया है RB-001, RB-001 इसका नाम रखा गया है इंडिया में। एंड मैं आपको बता दूं कि जो राफेल विमान है इसके लिए आपका क्या किया जाएगा, आपके दो विंग्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें से एक आपका अंबाला में रहेगा हरियाणा में, एंड जो दूसरा विंग रहेगा जो इसकी देख रेख करेगा राफेल विमानों की, तो वो रहेगा आपका हाशीमारा पश्चिम बंगाल में। तो हाशीमारा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल एंड अंबाला हरियाणा में इसके दोनों विंग्स रहेंगे, जो इन विमानों की क्या करेंगे, देखभाल करेंगे। हमें कितने राफेल विमान प्राप्त हुए हैं? ओके, एयर मशक है, न्यू दीप, ये मैंने आपका प्रीवियस पढ़ा हुआ है, मैं पीडी से पढ़ती हूँ, मैं आप लोगों को भी बोलती हूँ कि पीडी से पढ़िए, अगर आप अपडेट हैं तो मैं इसको एक बार रिचेक कर लूंगी, ठीक है। सो ये सारी की सारी इसकी क्या थी, डिटेल थी, बिल्कुल। ओहो, एयर चीफ मार्शल है, बिल्कुल एयर चीफ मार्शल है, एंड इनके कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से ही हुआ है ये सब, ठीक है। वेलकम अमरेंद्र सिंह कौशिक जी। सो ये आपका पूरा का पूरा था, आप याद कर सकते हो क्या कि भारत से हाल ही में आपके क्या हुए हैं, आपके राफेल विमान प्राप्त हुए हैं, एंड 2020 तक हमें सारे के सारे राफेल विमान प्राप्त हो जाएंगे। 36 विमान है टोटल, 36 राफेल विमानों का समझौता हुआ है, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक। आंधी 36, 60,000 फुट, 1912 किलोमीटर प्रति घंटा, अंबाला और हाशीमारा में इसके सेंटर बनेंगे, एंड आरबी भदौरिया जो एयर चीफ मार्शल है उनकी वजह से हुआ है RB-001। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, आपका बोला जा रहा है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत के केरल की दिवंगत नर्स मरियम थ्रेसिया को कैथोलिक संप्रदाय के पोप फ्रांसिस के द्वारा संत का दर्जा दिया गया है, वह केरल के किस जिले से संबंधित थी? ए कन्नूर से थी, बी कोझीकोड से थी, सी इडुक्की से थी, या डी थी त्रिशूर से। सो पोल मैंने क्रिएट किया है, एंड आप लोगों को गर्व होना चाहिए क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैंने खुद बनाए हैं, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। सो फटाफट से सब लोग आंसर करेंगे, एंड बस इतने लोगों आंसर नहीं करना, जल्दी जल्दी सब लोग आंसर करो भाई, कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करिए, अभी तक आंसर नहीं किया, 20% है, सबने आंसर करना है जल्दी जल्दी। कौन सोने चला गया, पीसेस नहीं बनना है, आ जाओ। 28% ए, 17% बी, 33% सी, एंड 22% बी। देखो भाई मैं बच्चों की तरह बातें जरूर करती हूँ, बट मैं क्वेश्चन अच्छे लेके आती हूँ, मानते हो कि नहीं मानते? सब लोग आंसर करेंगे, सब लोग, जो लोग मुझे छोड़ के चले गए हैं ना वापस आ जाओ, ठीक है। और फटाफट से क्लास को देखो, नवनीत सिंह फर्स्ट, भास्कर सेकंड, चंद्र प्रकाश वेलकम वेल डन थर्ड नंबर पे है, अलका फोर्थ नंबर पे है, नवनीत कुमार फिफ्थ नंबर पे है, प्रमोद सिक्स नंबर पे है, अविरल आपके 7 नंबर पे है, बाकी के तीनों को मैं देख नहीं पाई लास्ट में। सो मरियम जो है, मरियम त्रेसिया जो है, ये आपकी भारत के कन्नूर से जिले से संबंधित थी। 93 वर्ष के बाद में इनकी मृत्यु के इनको क्या किया गया, संत का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट आपके लिए याद करने की। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि इसराइल के पुरातत्वविदों के द्वारा हाल ही में उत्तरी इसराइल में 5,000 वर्ष पुराने एक शहर की खोज का दावा किया गया है, उसका नाम क्या है? आई डोंट नो यार, टेक्निकोलॉजी है। ए एन असुर, बी हफ्तसुर, सी मे फसुर, एंड डी है आदिल सुर, ठीक है। सबके आपके आंसर्स हैं, एंड आपको बताना है इसका नाम, एंड फटाफट से बताएंगे। 33% ए, 33% बी, ओके हफ्तसुर, चलो जल्दी जल्दी आंसर करो सब लोग, ठीक है।
एंड दिस क्लास इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग. मैं दोबारा से ये क्लास कंडक्ट कराऊंगी, ऐसी ही क्लास कंडक्ट कराऊंगी एंड बताऊंगी मैं इसके बारे में आप लोगों को. ठीक है, थोड़ा सा मैं देख के बता दूंगी. नो आइडिया, अच्छा क्वेश्चन ना, मैंने सर्च किया. आ जाओ देखो भाई, इसका आंसर क्या है आपका? ए है एन एसओ. ठीक, अब मैं आपको बता दूं कि आपका इसराइल में आपका तेल अवीव है, उसका नाम आपने सुना होगा. इसराइल में तेल अवीव से आपका करीबन 50 किलोमीटर अप्रोक्स, आपका 50 किलोमीटर उत्तर में, 50 किलोमीटर आपका नॉर्थ में ये आपका शहर खोजा गया है. एंड इसका जो एरिया है ना, करीबन 65 हेक्टेयर का है, 65 हेक्टेयर का ये क्षेत्रफल है. ओके, इसलिए आंसर्स आप लोगों के गलत गलत आ जाते हैं. अब मैं समझी. ठीक है, सो 65 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैला हुआ ये आपका तेल अवीव से 50 किलोमीटर नॉर्दर्न एरिया में आपका पाया गया क्या है? एन असुर नाम का शहर है. एंड इसका आंसर जो है आपका क्या है? ए है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. एंड आपसे बोला जा रहा है कि 2012 की तुलना में 2019 में भारत में पशुधन की आबादी में 4.6% की वृद्धि हुई. यह भारत की कौन से नंबर की पशुधन गणना के परिणाम है? 20वीं, 21वीं, 19वीं और 18वीं. एंड आपको इसका आंसर करना है. एंड आप लोग इसका आंसर करोगे फटाफट से. एंड एक मिनट रुकिएगा, मैं भी इसको कंफर्म कर ले रही हूँ. मेरे को याद है बट मैं एग्जैक्टली गलत आंसर नहीं देना चाहती. सो एक मिनट रुकिएगा. ठीक है, ओके, आई एम गुड. सही है, मैं सही थी, मैंने कंफर्म किया है. कोई ना, क्वेश्चन होना चाहिए बस. अच्छा क्वेश्चन है ये भी. 30% कुछ लोग देखो गलत करोगे, जो लोग गलत करेंगे वो लोग सीखेंगे जरूर. नमस्ते विवेक, जो गलत करेगा वो सीखेगा. वेलकम आरती. विजय राय ने 1.2 सेकेंड्स में आंसर दिया है. भास्कर ने 1.9 सेकेंड में आंसर दिया है. नागेंद्र ने, मैं करूंगा, कर लिए. आपने गलत की है, सब करेंगे आंसर. जो भी गलत करेगा वो सीखेगा, कुछ ना कुछ लर्न करेगा. एंड ये क्वेश्चंस बहुत सारे सोर्सेस से सर्च किए जाते हैं तो मजा भी आती है. भास्कर पांडे नंबर 1 पे हैं, नवनीत सिंह नंबर 2 पे हैं, नवनीत कुमार नंबर 3 पे हैं, चंद्र प्रकाश नंबर 4 पे हैं, नलका राणा आप नंबर 5 पे हैं, प्रमोद नंबर 6 में है. ठीक है, सो मैं आपको बता दूं, आपसे क्वेश्चन ये इस तरीके से पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर के परिणाम थे, 20वें नंबर की आपकी लिस्ट जारी करी गई थी, या फिर आपसे बोला जाएगा कि 2012 से 2019 की तुलना में भारत में जो आपका पशुधन की आबादी है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है. तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है. तो 4.6% की वृद्धि हुई है, इस चीज को भी आप याद रखिएगा. ठीक है, अभी हमारा जो मेजर इंफेसिस हो जाता है वो थोड़ा लीक से हट करके आए हुए क्वेश्चन में होता है, इसलिए मैंने कुछ इस तरीके से आपके क्वेश्चन का फॉर्मेट डिसाइड किया है. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है और आपसे इसमें पूछा जा रहा है क्या? इंडियन इनोवेशन इंडेक्स के पहले आकलन. ठीक है, इंडियन इनोवेशन इंडेक्स के पहले आकलन जो कि अक्टूबर में जारी किए गए हैं वो किस संस्थान के द्वारा जारी किए गए हैं, तैयार किए गए हैं? ए राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, बी नीति आयोग के द्वारा, सी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन के द्वारा, या आपका वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के द्वारा इसको जारी किया गया है. सो पोल में कंप्लीट कर दे रही हूँ, इसका आंसर आप सभी लोग करोगे एंड जो नहीं करेगा वो नहीं सीखेगा. तो सबको सीखना है इसका आंसर. ओके, मैं करूंगा, नवनीत जी का भी है. ओके, वेरी गुड. 1.7 सेकेंड्स, सेकेंड्स में आप लोग आंसर कर लेते हो, पता है 30 सेकेंड का टाइम मिलता है. एंड एग्जाम में हमारे पास होते हैं 150 क्वेश्चंस, सभी को 30 30 सेकेंड आप सभी लोगों को क्या करना है, देना है. जब सभी को आप 30 30 सेकेंड्स दोगे ना, और तब आपका प्रॉपर तरीके सारी चीजें हो पाएंगी. अच्छा एक बात बताओ मुझे, सब लोग मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्लास में? आ रहा है ना, मुझे भी बहुत आ रहा है. भूखे पेट. भास्कर पांडे नंबर 1 पे, नवनीत कुमार सेकंड नंबर पे, चंद्र प्रकाश थर्ड नंबर पे, अलका आप 4th 5th पे हो, नवनीत सिंह आप 4th पे हो. मुझे खुशी हो रही है यार. देखो सबको मैं शेयर कर दी थी बट मैं नहीं कर पाई, सॉरी. ठीक है, बहुत मजा आ रहा है ना. कल आपकी आर्ट एंड कल्चर की क्लास होगी, उसमें मैं कंटेंट लाऊंगी क्योंकि मुझे लगता है कि आपको लिए एक सीक्वेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है. 1.5 घंटे की क्लास होगी, पूरा का पूरा एंशियंट हिस्ट्री का कंटेंट हम लोग देखने की कोशिश करेंगे. एंड मुझसे अगर पॉसिबल हो पाएगा तो एंशियंट के साथ में मैं मिडिवल को भी इंक्लूड कर दूंगी. ठीक है, एंड दीपक खत्म, बोर हो गए यार. 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक की क्लास थी, रुक जाओ ना, जाना नहीं. ठीक है, पेट खराब है, मुझे समझ में आ रहा है, खिचड़ी बनी है आज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आपकी स्क्रीन पे है ये.
ठीक है। सो कल भी आइएगा 10 बजे से 11:30 बजे की क्लास में इनरोल करा लीजिएगा। आर्ट एंड कल्चर का 1.5 घंटे में मैं एंशिएंट पीरियड का एक प्रॉपर फॉर्मेट बना के दे दूंगी, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एक भी एग्जामिनेशन में ना छूटे। ठीक है। सो क्वेश्चन है आपसे बोल रहे कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार विश्व का कौन सा देश रहने के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल है? ए फिनलैंड, बी नॉर्वे, सी वियना, एंड डी है एस्टोनिया। सो इसका आंसर आप लोग करोगे, एंड इसका पोल मैंने क्रिएट कर दिया है। चलो आ जाओ, सब आंसर कर देंगे। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, ओके। बहुत कम आंसर आया इस बार, 21%। अभी तो आएगा नंबर, अभी तो अपडेट हो रहा है। ओवरऑल नंबर 1 पे भास्कर, नंबर 2 पे आपके नवनीत, आप कौन से नंबर पे? आप 7th नंबर पे हो। प्रमोद तिवारी 11th, 6th नंबर पे है। अलका 5th नंबर पे है। नवनीत सिंह 4th नंबर पे है। नागेंद्र कुमार 8th नंबर पे है। अविरल 9th नंबर पे है। इमरान अहमद 10th नंबर पे है। आशी कहाँ रह गई आप? नवनीत कुमार आप भी नहीं हो यहाँ पे, रहना था यार। चलो कोई नहीं। सो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग विश्व का सबसे ज्यादा आप बोलोगे अनुकूल जो देश है उसका नाम है वियना। ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, सबसे ज्यादा जो गंदा शहर है वो कौन सा है? वो कौन बताएगा मुझे? पोल क्रिएट करूं? ए कानपुर, ठीक। बी देश, देश की बात कर रहे हैं, सॉरी, इंडिया आप बोल सकते हो। ठीक है, अभी सही रहेगा। थर्ड बी है आपका नेपाल, सी है आपका जिबूती, एंड फोर्थ है आपका, या डी है आपका, दमिश्क। ठीक है। सो शहर की बात कर रही हूं, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आंसर आप लोगों को पता ही चल गया होगा। आंसर है शहर दमिश्क, एंड जगह है आपकी सीरिया। ठीक है, ये सबसे ज्यादा गंदा है। ठीक, पोल नहीं क्रिएट कर रही, बता दे रही हूं मैं आपको। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार विश्व का कौन सा देश रहने के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल है? वियना सबसे ज्यादा अनुकूल है रहने के लिए, और सीरिया जो है वो सबसे ज्यादा गंदा है, एंड दमिश्क यहाँ का बेसिकली सबसे ज्यादा गंदा है, जहां पे आप बिल्कुल भी नहीं सर्वाइव कर सकते, बिल्कुल भी नहीं रह सकते। ठीक है। तो सीरिया के बारे में हम लोग को वैसे भी पता है कि आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपसे बोल रहे हैं क्या कि अक्टूबर 2019 में गुटनिरपेक्ष, या इसी को हम लोग बोलते हैं नाम, ठीक है, नॉन अलाइंड मूवमेंट का शिखर सम्मेलन अजरबैजान की राजधानी बाकू में संपन्न हुआ। यह गुड़ नहीं है, ये गुट निरपेक्ष है। इसका कौन सा शिखर सम्मेलन था? 16वां था, 17वां था, 18वां था, या 19वां था? सो मैं पोल क्रिएट कर दे रही हूं, इसका आंसर आप लोग करोगे, फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग। ओके, 17%, 13% ए, 47% बी, 41% बी, 24% सी, 24% डी। एंड मैं बोलती रहती हूँ, चंद्र प्रकाश का आंसर 1.2 सेकंड में आ गया, दीप का आंसर 1.2 सेकंड में आ गया, भास्कर का आंसर 1.4 सेकंड में आ गया, साकेत मेम का आंसर 6.0 सेकंड में आया, अलका वगैरह सबके आंसर कहाँ है? फटाफट से आंसर करिएगा। मे बी आप लोगों ने आंसर गलत किया है, इसलिए नहीं आ रहा है मेरे सामने। लर्नर्स हु गॉट दिस पोल राइट, जिनका है मैं उनका बता रही हूँ, जिनके नाम नहीं आते उन्होंने गलत आंसर किया होता है। ठीक है, अलका के अकॉर्डिंग डी है। चलिए, भास्कर पांडे 1st नंबर पे, भास्कर 2nd नंबर पे, चंद्र प्रकाश है 3rd नंबर पे, नवनीत है। चंद्र प्रकाश इस बार का आप सिविल्स देने वाले हो, एंड मैंने इसको शेयर किया लर्नर के साथ में, आप सभी लोगों के साथ में। 4th नंबर पे नवनीत है, 5th नंबर पे अलका है, 6th में प्रमोद तिवारी है, 7th में ओम पूनिया है, नागेंद्र कुमार जी 8th नंबर पे हैं, अविरल वाजपेयी जी 9th नंबर पे हैं, दीप चंद 10th नंबर पे हैं। यानी कि इतने लोगों ने, टॉप 10 लोगों ने सही आंसर किया है, तब आप लोग लीडर बोर्ड पे आ पाए हो टॉप 10। रिमेनिंग जो लोगों ने गलत आंसर किया उनका आंसर नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि गुट निरपेक्ष, या जो आपका नाम है एसोसिएशन, यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट, ये किस ईयर में फाउंड किया गया था आपसे पूछा जाता है। सो मैं ईयर लिख दे रही हूँ, एंड इसके ऑप्शंस आप लोगों के सामने ए बी सी एंड डी है, और आपके जो ऑप्शंस है वो यहाँ पे ये है। ठीक है, आंसर करोगे आप सभी लोग इसका, और डी ऑप्शन यहाँ पे दे दे रही हूँ, 1991। सो पोल मैं क्रिएट कर रही हूँ, इसका आंसर करेंगे। आपका अगेन एक क्वेश्चन है जो कि जुड़ा हुआ है इसी से, एंड इसका आंसर करेंगे सब लोग जल्दी जल्दी से। ओके, सिर्फ 3 लोग हैं अभी यहाँ पे, सिर्फ
फटाफट से आंसर करेंगे, सोच समझ के आंसर करेंगे, आपको 30 सेकंड का समय मिलता है, गलत आंसर आपने नहीं करना है, ठीक है? चलो, दीप का आंसर सी है, अलका का आंसर सी है, 40% सी है, 33% ए है, ओके 44% सी है, आंसर आप चेंज कर सकते हो अपने अपने, एंड नॉन अलाइन मूवमेंट आपको बताना है। ठीक है, भास्कर फर्स्ट है, चंद्रप्रकाश सेकंड है, लर्नर्स को मैंने सेंड कर दी है, अलका थर्ड नंबर पे हो, कॉन्ग्रेचुलेशन अलका, मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों के आंसर बिल्कुल सही आते हैं, नवनीत फोर्थ पे है, प्रमोद नंबर 5 पे है, नवनीत सिंह 6 नंबर पे है, ओम 7 नंबर पे है, नागेंद्र कुमार जी 8 नंबर पे है, इमरान अहमद 9th नंबर पे है, एंड अविरल वाजपेयी 10th नंबर पे है, ठीक है? सो आप लोग ने सही आंसर दिया है ओवरऑल में, ठीक, एंड नवनीत कुमार आपने सही आंसर दिया है, हाँ आप भी हो, ठीक है? सो ये था आंसर। अब देखो भाई, यहाँ पे एक और चीज समझने वाली है, ये आपका 18th नंबर का क्या था, आपका समिट हुआ था, एंड यहाँ पे जो आपका आंसर था ये 1961 में था। मैं आपको बता दूं कि 25 कंट्रीज के साथ में आपका बेलग्रेड में इसका क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ क्या, आपका कोल्ड वॉर, जो आपका कोल्ड वॉर होता है उसके रिजल्ट के फॉर्म में इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। और मैं एक और चीज आपको बता दूं यहाँ पे, जो आपको जानने योग्य है, कि कोल्ड वॉर उस वक्त चल रहा था यूएसएसआर में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया या रूस में, एंड वर्सेस आपका चल रहा था अमेरिका, अमेरिका और इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। और बता दूं एक और चीज कि इस कोल्ड वॉर के बीच में ही आपका 25 सदस्यीय या आप बोलोगे संस्थापक देशों के साथ में बेलग्रेड में इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, नाम की नॉन अलाइन मूवमेंट की, और जो इंडिया है इसका फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है, इंडिया इसके संस्थापक देशों में से क्या है, एक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आप रख सकते हो इसके बारे में, ठीक है? द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, आपसे क्या बोला जा रहा है इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। आपका क्वेश्चन है 20वां, जून 2011 के अंत की स्थिति के आधार पर भारत पर विदेशी ऋण कितने डॉलर अधिक हो चुका है, ठीक है? ए 550 डॉलर से अधिक हो चुका है, 500 डॉलर से अधिक हो चुका है, 400 डॉलर से अधिक हो चुका है, या 450 डॉलर से अधिक हो चुका है। मैं पोल क्रिएट कर दे रही हूं, आपको इसका आंसर देना है, मैंने पोल क्रिएट किया है, कोशिश करिएगा कि आंसर सही देंगे सब लोग, एंड गलत आंसर नहीं देना है। चलिए, आज तो मैंने पानी भी नहीं पिया, सर्दी हो गई है, पता है बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। 44% नवनीत का आंसर ये है, ओके। दीप का आंसर 1.1 सेकंड में आ गया, नागेंद्र का आंसर 1.3 सेकंड में आ गया, अतुल चौहान का आंसर 2.0 सेकंड में आ गया। वेलकम प्रवीण कुमार जी, आपको भी आंसर करना है। 50% ए बोल रहे हैं, 22% बी बोल रहे हैं, 17% सी बोल रहे हैं, 11% डी बोल रहे हैं, 16% अब सी बोल रहे हैं। ओके, भास्कर अगेन फर्स्ट नंबर पे है, चंद्रप्रकाश सेकंड नंबर पे है, अलका थर्ड नंबर पे है, वेरी गुड वेल डन, नवनीत सिंह फर्स्ट पे है, नवनीत कुमार फिफ्थ पे है, प्रमोद 6 पे है, ओम 6 7 नंबर पे है, नागेंद्र कुमार 8 नंबर पे है, इमरान अहमद 9th में है, एंड सुधा मिश्रा 10th नंबर पे है, वेरी गुड सुधा, आप भी हो यहाँ पे, मुझे नहीं पता था, सो वेल डन, आप लोग टॉप 10 में है, देन वेरी गुड, इतने आंसर कर रहे हो तो अच्छी बात है। मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्ट जो आंकड़ा है, जो डिजिट है, वो है आपका करीबन 557.4 डॉलर, ठीक है? आपका इतना जो आपका डॉलर का, या आप बोलोगे अरब, अरब आप इंक्लूड करोगे यहाँ पे, 557.4 अरब डॉलर के करीबन हमारा क्या है, हमारा विदेशी ऋण पहुंच चुका है, ठीक? एंड ये आपका प्रीवियस टाइम से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि प्रीवियस टाइम से आपका ये जो इंक्रीज होने वाला जो ऋण है ये कितने प्रतिशत बढ़ा है, इसका आंसर कौन बताएगा, बताइए, आ जाइए, रहने दो, नेक्स्ट पे बढ़ लेते हैं, बहुत देखना पड़ेगा। चलो आ जाइए, आपसे बोल रही कि देश में पहली कॉरपोरेट रेलगाड़ी कहां से कहां के मध्य चलेगी, ए दिल्ली से मुंबई, बी लखनऊ से बैंगलोर, सी लखनऊ दिल्ली से लखनऊ, एंड डी है दिल्ली से बैंगलोर। सो मैं पोल क्रिएट कर दे रही हूँ, एंड इसका आंसर आपने करना है, फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी, ओके 80% सी, चलो इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस और पूछूंगी, आप सभी लोगों को उसके आंसर करने होंगे, सो उसके लिए भी रेडी रहिए, गेट रेडी फॉर दिस थिंग्स आल्सो। सो मजा आ रही है कि नहीं आ रही क्लास में, मुझे पता है, भास्कर आप फर्स्ट हो, चंद्रप्रकाश आप सेकंड हो, एंड मैंने शेयर किया है लर्नर सबने, अलका फोर्थ थर्ड नंबर पे है, फोर्थ नंबर पे नवनीत सिंह,
ये वही डेटा फिर से दे रहे हैं शायद, मुझे लग रहा है। बट सुधा मिश्रा इस बार आप 8th नंबर पे आ गए हो, ठीक है। दीप आप 9th नंबर पे हो, नागेंद्र आप 10th नंबर पे हो, प्रमोद आप 6th नंबर पे हो, ओम आप 7th पे हो, नवनीत कुमार 5th पे है, नवनीत सिंह 4th नंबर पे है। सो भास्कर मेरा नाम रोशन करने वाला हूँ, हालांकि भास्कर आप क्लास में आते नहीं हो, मुझे नहीं पता कि आपने मुझसे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बट आपका ये सेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस। सो पहली चीज, अब ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगी और आप लोग मुझे इसका आंसर करोगे कि देश की जो पहली या बोलूंगी मैं आपको स्टेटमेंट बता देती हूँ इससे रिलेटेड जो चीजें हैं, कि देश में जो पहली कॉर्पोरेट रेलगाड़ी है इसको आप बोलोगे कि तेजस चल रही है, ठीक है। पहली चीज, ठीक, ये तेजस जो चल रही है इसको इंडियन रेलवे क्या कर रहा है, आपका चला रहा है, लेकिन आपका सारी की सारी जो व्यवस्थाएं हो रही है वो IRCTC के द्वारा हो रही है, कंडक्ट हो रही है। इवन आपका बोलूंगी कि जो टिकट भी कनेक्ट कलेक्ट किया जा रहा है या टिकट भी आपके IRCTC के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। देन इससे पहले जो भारत की पहली तेजस रेलगाड़ी थी वो किस वर्ष में चली थी, किसी को आइडिया है, किसी को भी आइडिया है कि भारत में चलने वाली जो पहली तेजस गाड़ी थी वो कब चली थी और कहां से लेके कहां के मध्य में चली थी? मैं लिख दे रही हूं यहाँ पे, देखो, मुंबई से गोवा, मुंबई से गोवा आपकी पहली तेजस ट्रेन चली थी, एंड ये चली थी आपकी 24th of May 2017 को, ठीक। सेकंड जो आपकी चली थी तेजस ट्रेन, सेकंड तेजस ट्रेन जो आपकी चली थी, इसके बीच की दूरी है, इसका जो परिचालन किया गया था वो 2 मार्च 2019 को किया गया था, 2 मार्च 2019 को किया गया था। किसी को पता है किसके के कहां से किसके किसके बीच में किया गया था? अगर याद रखना हो तो ये आपकी चेन्नई से मदुरई के बीच में चली थी, ठीक है, एंड ये आपकी तीसरी है, चेन्नई से मदुरई के बीच में चली थी, ये आपकी तीसरी है जो चल रही है किसके किसके बीच में, दिल्ली से लखनऊ के बीच में। और इसमें आपका IRCTC और इंडियन रेलवे दोनों का क्या है, कोऑर्डिनेशन है। इसके पहले जो चेन्नई से मदुरई चली थी और मुंबई से जो गोवा चली थी, इन दोनों में या इनका पूरा का पूरा जो संचालन किया गया था वो आपका इंडियन रेलवे के द्वारा ही किया गया था, किसी का सपोर्ट नहीं लिया गया था। अब की बार IRCTC का सपोर्ट इसमें लिया जा रहा है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, एंड आपसे पूछा जा रहा है, बता लोगे आप लोग, वेलकम भुवन चंद्र तिवारी जी, तिवारी जी दो बार आपका तिवारी तिवारी है, से मैंने दो बार बोला। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को अपने शेष कार्यकाल के लिए कहां पे स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर किया गया है? ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी मेघालय, एंड डी है गोवा। सो आंसर करिएगा, पोल में क्रिएट कर रही हूँ इसका, फटाफट से मैंने आंसर कर दिया, आंसर करिए आप सभी लोग। ओके, 55% डी, 43% डी, फटाफट से आंसर करेंगे। विजय राय का आंसर 1.1 सेकंड में आ गया, अलका का 1.1 सेकंड में आ गया, प्रमोद का 1.2 सेकंड में आ गया, भास्कर का 1.5 सेकंड में आया है, एंड आंसर करेंगे सब लोग। अच्छा क्वेश्चन ना, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं। तो 17% ए है, 17% बी है, 17% सी है, एंड 50% डी है। सो थैंक यू, थैंक यू, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन लाऊंगी मैं और भी लाऊंगी, दिसंबर के मंथ में आपको बहुत सारे लेसन ऐसे ही लेके आऊंगी मैं, और कोशिश करूंगी कि मैं 1-1 घंटे की क्लास रखूं, ताकि अगेन भास्कर नंबर 1 पे है, चंद्रप्रकाश नंबर 2 पे है, अलका नंबर 3 पे है, एंड मैं लर्नर्स के साथ में शेयर कर दे रही हूँ। भाई देखो, प्रमोद आप 4th नंबर पे आ गए हो, नवनीत सिंह 5th नंबर पे है, नवनीत कुमार 6th नंबर पे है, ओम पुनिया 7th नंबर पे है, सुधा मिश्रा आप 8th नंबर पे हो, दीप आप 9th नंबर पे हो, एंड विजय राय आप अगेन यहाँ पे 10th नंबर पे है, ठीक है। सो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 22। देन सत्यपाल मलिक को गोवा में क्या कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया अपने शेष रिमेनिंग कार्यकाल के लिए। देन आपसे बोला जा रहा है क्या कि शरद अरविंद बोबड़े जो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं वो किस वर्ष तक इस पद पर बने रहेंगे? ए 2020 तक, बी 2021 तक, सी 2022 तक, या डी है 2023 तक। तो इसका मैंने आंसर कर दिया है, फटाफट से पोल में आप लोग भी आंसर करोगे। ओके, 27% ए है, 20% ए है, 44% बी है। ओके, करेंगे सब लोग आंसर करेंगे इसका, एंड मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी आपसे इसके बाद में, ताकि आप लोगों का और भी चीजों में को मैं क्या कर सकूं, तैयार करा सकूं, क्योंकि टाइम बचेगा हमारे पास में क्लास के बाद में भी। सो हम लोग क्या कर लेंगे, ओके, 42% बी है, 21%। भास्कर नंबर 1, चंद्रप्रकाश नंबर 2, अलका नंबर 3, एंड एक मिनट, मैं शेयर विद लर्नर्स कर देती हूँ। प्रमोद आप 4th पे हो, नवनीत सिंह आप 5th पे हो, नवनीत कुमार 6th पे हैं, ओम पोनिया 7th पे हैं, दीप चंद आप 8th पे हो, विजय राय आप 9th पे हो, एंड इमरान अहमद आप 10th नंबर पे हो। एंड मेरे पास हर बार जो डेटा आ रहा है वो अलग अलग ही आ रहा है, सो दिस इज क्वाइट राइट, ठीक है। सो अरविंद बोबड़े 2021 तक रहने वाले हैं आपका सर्वोच्च न्यायालय में क्या, आपके मुख्य न्यायाधीश, एंड इनके नाम की जो सिफारिश करी गई थी वो आपके पूर्व न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के द्वारा करी गई थी। 47th नंबर पे आने वाले आपके राष्ट्रपति हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है शरद बोबड़े,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे बोल रहे हैं कि देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग चिनानी से नाशरी का नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है? ए पटेल सुरंग कर दिया गया है, बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है, सी अटल बिहारी वाजपेयी सुरंग कर दिया गया है, या डी कर दिया गया है रामबन से उधमपुर सुरंग। ठीक, सो इसका मैं पोल क्रिएट कर दे रही हूँ एंड पोल मैंने क्रिएट किया है एंड इसका आंसर आप लोग करोगे फटाफट से, आ जाइए। ओके, ए 7% है, बी 53%, ए 12%, डेटा चेंज होते चले जा रहे हैं, फटाफट से करेंगे सब लोग। नवनीत दुबे, प्रवीण कुमार जी, नितिन राठौर जी, सुधा मिश्रा जी, सभी ने आंसर किया है, सही आंसर किया है। जानते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये यह है कि आपने करेक्ट आंसर किया है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अपडेट करा जा रहा है कि वो है कि आप कितने समय में कर दे, तो आपकी एक्यूरेसी कितनी है। अगेन लर्नर्स के साथ में शेयर कर दे रही हूँ, भास्कर आप सच में आई एम ओवरवेल्म्ड आपके साथ में कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रदीप जी नमस्ते। चंद्र प्रकाश का आपका सेकंड रैंक है, थर्ड रैंक है अलका की, प्रमोद जी फोर्थ रैंक पे है, ओम फिफ्थ नंबर पे है, सिक्स नंबर पे नवनीत सिंह है, सेवन नंबर पे नवनीत कुमार है, विजय राय जी एट पे है, इमरान अहमद जी नाइन्थ नंबर पे है, शुद्धा सुधा मिश्रा जी टेंथ नंबर पे है। सो आंसर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है एंड आंसर सही करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग इसको बोला गया है। एंड आपको मैं बता दूं कि ये जो चिनानी से नाशरी, या इसको हम लोग पटनी टॉप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, पटनी टॉप के नाम से भी फेमस है आपकी ये सुरंग, जम्मू कश्मीर में है पहली बात, ठीक है। दूसरी चीज, इसका जो डिस्टेंस है या जो ये एरिया कवर करती है ना चंद्र प्रकाश, ये रामबन से उधमपुर के बीच की सुरंग चलती है, तो रामपुर से उधमपुर चलने वाली ये सुरंग है। एंड मैंने जो नाम रखे हैं वो इस तरीके से आपके निर्धारित किए थे क्योंकि पटेल जी आपके फेमस है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी फेमस है, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आपके फेमस है, और इसी के आधार पर मैंने इनका नाम रखने की कोशिश करी थी क्योंकि हमारी बीजेपी की सरकार चल रही है। द नेक्स्ट एंड आपका यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, बट नो डाउट मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछूंगी। एंड आपका क्वेश्चन है ये कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ष 2020 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? ए शांति एवं विश्वास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, बी कुटीर मत्स्य की एवं मत्स्य पालन हेतु अंतरराष्ट्रीय वर्ष, एंड सी है पौधों के स्वास्थ्य हेतु अंतरराष्ट्रीय वर्ष, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। सो पोल मैं क्रिएट कर रही हूँ, इसका आंसर आप लोग करोगे एंड आपका आंसर करना है आपको, अब स्टार्ट कर दीजिए। हाय मनीष, सही आंसर करेंगे सब लोग तो यहाँ पे आप लोग आओगे। ओके, नवनीत ने आंसर सी किया, कमेंट सेक्शन में भी किया, एंड मैं आज का जो ये सेशन है ना इससे मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है कि टॉपर्स के नाम पता चलने चाहिए कि कौन करेक्ट आंसर कर रहा है, आपकी आपको पानी में कितने पानी में आप पता चलना चाहिए। इवन मुझे अपना पानी पता चल गया, मैं तो बहुत गलत करने वाली थी, बहुत दिनों से करंट नहीं पड़ी थी, बट अभी मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाऊंगी आपके लिए करंट अफेयर्स के। देन ओके, चंद्र प्रकाश मिश्रा नंबर वन पे, ओके क्योंकि मैं शेयर करती हूँ सबके साथ में। देखो चंद्र प्रकाश मिश्रा नंबर वन पे आ गए हैं इस क्वेश्चन में, भास्कर पांडे सेकंड नंबर पे, अलका नंबर थ्री पे है, ये मेरे अच्छे बच्चे, प्रमोद जी आप फोर्थ नंबर पे हैं, और सारे अच्छे हो, टॉप टेन वाले सब अच्छे हो, प्रमोद तिवारी जी फोर्थ नंबर पे हैं, ओम बोनिया जी फिफ्थ नंबर पे, नवनीत कुमार जी सिक्स नंबर पे, नवनीत सिंह जी सेवन नंबर पे, इमरान अहमद जी एट नंबर पे, सुधा मिश्रा आप नाइन्थ में, विवेक विजय राय जी आप टेंथ नंबर पे हैं। इम्प्रेस्ड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। अच्छा अब यहाँ पे एक लिख लीजिए, देखो पौधों के संवर्धन हेतु आपका अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, इसके बारे में आपको दो चार चीजें और बता दे रही हूँ तो आप लोगों के लिए इजी रहेगा, दो चार फैक्ट्स आपको और पता चल जाएंगे। देखिए ये 2020 के लिए आपका घोषित किया गया है यूनाइटेड जो संयुक्त राष्ट्र संघ है आपका, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा कुटीर मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन हेतु अंतरराष्ट्रीय जो वर्ष घोषित किया है वो आपका घोषित किया गया है 2022वां, ठीक है, और 2023वां जो वर्ष है या 2021वां जो वर्ष है वो शांति एवं विश्वास हेतु अंतरराष्ट्रीय वर्ष है, या बोल सकते हो इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड आपका ट्रस्ट, ठीक है, ये है आपके फॉर्म। तो इसका आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे ताकि आपको ये याद रहे कि अगर इनसे रिलेटेड कोई भी चीज पूछ ली जाए कि 2020 वाला पौधों के स्वास्थ्य एवं अंतरराष्ट्रीय वर्ष है कुटीर मत्स्य की 2022 के लिए, शांति विश्वास हेतु अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2021 है, ये आपको याद रहे, ठीक है। देन अगेन मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, नो डाउट ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो मैं न्यू स्लाइड ऐड कर रही हूँ यहाँ पे एंड क्वेश्चन को देखिएगा, उसका आंसर करिएगा, क्वेश्चन मैं बोल दूंगी, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन एंड उसके बाद, ये गलत पर भी रैंक देता है यार, ये तो गलत बात है, बेमानी कर रहा है, ये ईवीएम मशीन हो गई क्या हमारी, वीवीपैट हो गई क्या, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अभिषेक जी क्या सोच रहे हैं, ठीक है,
यार अगर देखो गलत कर रहा है तो इसमें मेरी फॉल्ट नहीं है यार, अनअकैडमी की एप्लीकेशन उनकी उनकी टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है। ठीक, अगर सही कर रहा है तो दिस इज वेरी कूल एंड मुझे बड़ा मजा आ रहा है इसको करने में। मैं तो दोबारा से एक्साइटेड हूँ आपका ऐसा सेशन लेने के लिए। देन अगेन क्वेश्चन है, ओके आपके दो रॉन्ग थे बट रैंक दी ओवरऑल, कि इतने क्वेश्चंस हुए उनमें से आपके कितने करेक्ट हैं, कितने समय में आपने कितने सेकंड्स में इसका आंसर किया है अलका, समझे? ये होगा मे बी कॉन्सेप्ट। सही कर रहा हूं पूरी या? चलो ठीक है, एटलीस्ट कोई तो माना यार, कोई तो ट्रस्ट करो। अगेन मैं अनअकैडमी पे हूँ ये दिख रहा है। ठीक है चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि अक्टूबर 2019 में, ठीक है, आपके पोलियो इरेडिकेशन के यानी कि पोलियो उन्मूलन के, पोलियो मुक्त भारत के कितने वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं? अक्टूबर 2019 में पोलियो इरेडिकेशन के या पोलियो को उन्मुक्त या पोलियो मुक्त भारत के कितने वर्ष संपन्न हो चुके हैं? आपके ऑप्शंस हैं ये, ए 20 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष एंड डी 25 वर्ष। सो इसका आंसर करेंगे, मैं पोल क्रिएट कर दे रही हूं, फटाफट से इसका आंसर करेंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी से। बस 3 लोगों ने अभी तक राइट आंसर किया है एंड बाकी सबने आंसर करना है। भास्कर ने भी आंसर कर दिया है, सभी लोग आंसर करेंगे। 27% ए है, 27% बी है, 9% सी है एंड 36% डी है। ओके फटाफट से आंसर करेंगे, मैं लीडर बोर्ड को बताने वाली हूँ सबको नाम। काफी लेट हो जाता है आई नो, बट मुझे ये टाइम सबसे अच्छा लगा क्योंकि पीस बहुत होता है, सबकी शादी हो चुकी होती है, बराते निकल चुकी होती है तो शोर नहीं हो रहा होता है। सुधा ने भी आंसर कर दिया है, 24.8 मिनट में अपडेट कर रहे हैं हमारे ओवरऑल पोल की टेली लीडर बोर्ड को। सो मैं इसको आपके साथ में शेयर करूंगी। अगेन भास्कर जी फर्स्ट नंबर पे, अलका आप थर्ड नंबर पे हो, चंद्र प्रकाश आप सेकंड नंबर पे हो, काफी टक्कर है भाई, तीनों टॉपर है मेरे। देन प्रमोद फोर्थ नंबर पे है, ओम फिफ्थ नंबर पे है, नवनीत सिंह 6 नंबर पे है, नवनीत कुमार 7 में। आप दोनों ना चीटिंग कर रहे हो एक साथ में, मुझे लग रहा है एक ही बगल में आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, स्कूल वाला है ये सिस्टम हो रहा है। 8 नंबर पे इमरान अहमद जी है, 9th में सुधा मिश्रा, दीप आप 10th नंबर पे आ गए हो। ठीक है तो ये था आपका ये वाला क्वेश्चन एंड आपको बता दूं कि 1995 में हमने पोलियो उन्मुक्त या पोलियो मुक्त भारत की संकल्पना स्टार्ट करी थी। सो 1995 से 2019 तक आपके टोटल 25 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं अक्टूबर 2019 में। ठीक है सो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक और पूछ लेती हूँ आपसे, इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ, क्लियर कर दे रही हूँ। अगेन मेरा प्रश्न है ये, मैं एक बार देख लेती हूँ यार क्योंकि मैंने 25 ही क्वेश्चंस रखे हुए थे एंड अब की बार जगह सर थोड़ा सा कम हो गया, रुकिएगा कुछ मैं इंडेक्स पूछ लूँ आप लोगों से, इंडेक्स के आंसर करिएगा एंड ओके ओके किस देश के आंसर, क्वेश्चन सुनिएगा ठीक है, किस देश के सम्राट ने अपने 5 पौत्र और पौत्रियों को, ठीक समझ लीजिएगा क्वेश्चन, फिर से मैं बोल रही हूँ, किस देश के राज सम्राट ने, किस देश के राजा ने या किस देश के सम्राट ने अपने राज्य के 5 पौत्र और पौत्रियों को, अपने देश के 5 पौत्र पौत्रियों को राजघराने से अलग किया है, राजघराने के खर्च में कटौती करने के लिए? अब बताइए। अच्छा क्वेश्चन, मैं लिख दे रही हूँ क्वेश्चन को, ठीक है क्वेश्चन लिख दे रही हूं मैं यार, अगेन 1 मिनट, राज घराने के खर्च में कटौती करने के लिए, कहां से लाती हूँ पढ़ के आती हूँ, कटौती करने के लिए, किस देश के सम्राट ने, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है बट नेक्स्ट टाइम से मैं ज्यादा क्वेश्चंस लेके आऊंगी, सम्राट ने अपने राजघराने के, घराने के 5 पौत्र और पौत्रियों को, पौत्र या पौत्री जो भी है, डॉटर और आपका मतलब यार पौत्र और पौत्री समझ जाओ ठीक है, 5 में लिखना आलस लगता है मुझे लिखने में, 5 पौत्र और पौत्री को अपने राज्य से क्या कर दिया, राजघराने से बाहर निकाल दिया। मैं राज्यों के नाम लिख दे रही हूँ, नंबर 1 भूटान, ठीक, नंबर 2 जापान, नंबर 3 यू आर बैक आशी, क्या करने गई थी आप पापा का सर दबाने, नंबर 3 स्वीडन, ठीक है, एंड नंबर 4 आपका जो ऑप्शन है ये है थाईलैंड। ठीक
तो इसका आंसर करेंगे आप लोग। एंड मैंने यहाँ पे ऑप्शंस दे दिए हैं आप लोगों को, ऑप्शंस मैंने तुरंत क्रिएट किए हैं, तो फटाफट से आंसर करोगे। और अच्छा क्वेश्चन है ये, पता है, 38%, 40%, वेरी गुड। सही आंसर करने वालों के नाम मुझे मिल जाएंगे, अभी पता चल जाएंगे कितने लोग सही आंसर कर रहे हैं। यार इस बार ना वो नहीं हो रहा जो आप लोगों का हमेशा से होता है, वो जो लीडर बोर्ड आते हैं, इस बार आ नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। आशी पांडे ने 8.4 सेकंड में, सुधा मिश्रा ने 16 सेकंड में, और ओम पुनिया ने 25.4 सेकंड में आंसर दिया है। भास्कर फर्स्ट आए हैं, ओम पुनिया थर्ड आए हैं, चंद्र प्रकाश सेकंड आए हैं, अलका फोर्थ आई है, प्रमोद फोर्थ फिफ्थ आए हैं, नवनीत सिंह सिक्स्थ आए हैं, सुधा मिश्रा आपकी सेवेंथ आई है, नवनीत कुमार जी एट्थ आए हैं, इमरान अहमद जी टेंथ हैं, एंड दीप चंद हमारे टेंथ हैं, इमरान अहमद जी नाइन्थ हैं। सो आंसर आपको पता ही चल गया होगा कि स्वीडन के सम्राट हैं वो। आपको पता है भूटान में सम्राट चलते हैं, जापान में चलते हैं, थाईलैंड में चलते हैं, और स्वीडन में भी चलते हैं। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था ये, मैंने तुरंत बनाया है, पता है, तुरंत तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, फटाफट से आंसर करोगे आप सभी लोग, ठीक है? चलिए देख लो भाई। ओके, एक मिनट, ओके। क्वेश्चन, महाराष्ट्र व बिहार के पश्चात हाल ही में किस राज्य में भी गुटखा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी नहीं वो, यानी कि तंबाकू में, ठीक है, सॉरी गंदी बात, ठीक है। सो महाराष्ट्र एंड बिहार के बाद में वो कौन सा राज्य है जहां पर गुटखा यानी कि पान मसाला, या आप बोल सकते हो पान मसाला, पर बैन लगा दिया गया है, प्रोहिबिट कर दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपके ऑप्शन है ए बी सी एंड डी, जिनका आंसर है अपना यूपी, बी एमपी, सी राजस्थान एंड डी वेस्ट बंगाल। फटाफट से आंसर करेंगे, पोल मैंने क्रिएट कर दिया है, एंड आपका आंसर करना है आपको अभी इसी वक्त। नए नए क्वेश्चन, सही क्वेश्चंस के ऊपर सही मार्क्स मिलेंगे। नवनीत कुमार का आंसर वेस्ट बंगाल, नवनीत सिंह का आंसर डी। पहले पोल पे आंसर किया करो नवनीत कुमार एंड नवनीत सिंह, आप लोग पीछे रह जाते हो कमेंट सेक्शन में आंसर करने में। पता है मुझे आपको आता है, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी टॉप पे आओ। 13 नंबर ए बोल रहे हैं, 13% ए बोल रहे हैं, 7% बी बोल रहे हैं, 53% सी बोल रहे हैं, 27% डी बोल रहे हैं। ओके, एके भाई ने ज्वाइन किया है, नमस्ते एके भाई जी। मैम तुरंत किया हूँ पोल पर, ओके, अपडेट हो रहा है, भी आंसर पता चल जाएगा कितने जल्दी से किए हैं। अगेन भास्कर जी फर्स्ट नंबर पे, चंद्र प्रकाश जी सेकंड नंबर पे, ओम पोनिया जी आप थर्ड नंबर पे आ गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, भास्कर जी कहाँ थे आप भाई, मैं मिलना चाहूंगी। अलका फोर्थ नंबर पे आ गए हो, प्रमोद फिफ्थ नंबर पे है, नवनीत सिंह सिक्स नंबर पे है, नवनीत कुमार सेवन नंबर पे है, एंड सुधा मिश्रा एट नंबर पे है, इमरान अहमद जी नाइन्थ नंबर पे है, एंड 10th नंबर पे विजय राय है। पता है नवनीत, आपके में आपको फर्स्ट क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमारा अनअकैडमी बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी डिसहार्टेंड हो, डिमोरलाइज हो, वो चाहते हैं कि सब टॉप कर रहे हैं, तो हमें आगे बढ़ना है और हमें पढ़ना है, मोटिवेशन दे रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग आपको दे रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, सो एमपी आप बोलोगे, महाराष्ट्र बिहार के बाद में आपका जो वेस्ट बंगाल है, ये भी गुटखा पर बैन करने वाला पहला राज्य बनकर, और मैं कितना अच्छे तरीके से कंसोल कर लेती हूँ आप लोगों को, समझते हो ना मेरी बात को। ठीक है, ओके, आ जाइए नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट। आपका प्रश्न है ये आपकी स्क्रीन पे, सब लोग आ जाइए और सब लोग आंसर करेंगे, एंड मे भी कई लोग मेरे लिखने से बोर हो गए होंगे, बट ओके। राज ने बी तो लगा दिया, हाँ राज ने बी तो लगा दिया, आ जाओ, आइए भाई आ जाइए। ओके, वर्ष 2019-20 के लिए, सुनिएगा, वर्ष 2019-20 के लिए, या बोलोगे आपका विपणन वर्ष, यानी कि विपणन यानी कि मार्केटिंग ईयर, ठीक है, मार्केटिंग ईयर 2020-21 के लिए रबी उपजों के आपके नए समर्थन मूल्य क्या है गेहूं के लिए। ठीक है, गेहूं के समर्थन मूल्य यानी कि सपोर्टिंग प्राइस, गेहूं के नए सपोर्टिंग प्राइस एसपी लिख दे रही हूं मैं, वर्ष 2020 और 21 के लिए क्या है। ठीक है, मैं ए बी सी एंड डी में ऑप्शंस क्रिएट कर रही हूँ, एंड आपको बताना है वर्ष 2020 और 21 के लिए। ठीक है, सो आपके ऑप्शन है ये 1950, 1945, 1925 और
1955, ठीक है। सो आपको आंसर करना है, आपका जो ऑप्शन है उसके आंसर है ये। चलो भाई आ जाओ, आंसर कर दो इसका, जल्दी जल्दी करेंगे सब लोग आंसर। मुझे क्या लगता है, एक बार जब आप लोग सही करने के बाद में गलत करते हो ना, तो उससे आपकी कुछ रैंकिंग कम हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। चेहरा काला पड़ गया, मैंने पूरे दिन खाना नहीं खाया है, बहुत दुख हो रहा है मुझे, बहुत लेट हो गया है, खाऊंगी अभी जा करके। क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो नेक्स्ट सेशन में कल के लिए इनरोलमेंट करा लीजिएगा, कल भी आइएगा सब लोग, कल देखेंगे आर्ट एंड कल्चर की क्लास। होपफुली मैं आपको अच्छे से तरीके से देने की कोशिश करूंगी, एंड दिसंबर में आपकी इस तरीके की मैं और भी सेशंस करूंगी करंट अफेयर्स के, ठीक है। तो सबको मजे आएंगे, सब लोग नए नए करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। ओ माय गॉड, चंद्र प्रकाश मिश्रा आप फर्स्ट नंबर पे हैं, भास्कर आप सेकंड नंबर पे हैं, ओमपुरी आप थर्ड नंबर पे हैं, अलका आप फोर्थ नंबर पे हैं, आपने फिफ्थ नंबर पे प्रमोद जी हैं, नवनीत सिंह जी सिक्स नंबर पे, नवनीत कुमार जी सेवन नंबर, चीटर्स दोनों चीटर्स हो। देन एट नंबर पे सुधा मिश्रा है, इमरान अहमद जी, इमरान सुधा दोनों एक साथ में आ रहे हैं, एंड विजय जी भी आपके 10th नंबर पे आ रहे हैं। सब नकलची हैं, सब नकल करते हैं। नमस्ते नितिन, आप हमेशा बिल्कुल, आप नवनीत जी 7th नंबर पे ही रहते हो। सो चंद्र प्रकाश एक नॉन प्लस एस्पिरेंट नंबर 1 पे आया है इन माई लास्ट क्वेश्चन, एंड आपका पूरा का पूरा टाइम कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे मैं आपका क्वेश्चन जो है एंड करूंगी, और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, एंड मुझे बहुत मोटिवेशन मिला आप लोगों का आंसरिंग वे देख करके। मुझे लगा कि मैं ठीक ठाक पढ़ा लेती हूँ, पढ़ाया तो नहीं है मैंने, इसमें सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर किए हैं। एंड ओके, मजा आ गया, चलो मुझे भी बहुत मजा आया। होपफुली आप लोग कल भी आओगे क्लास में, भास्कर आपको भी आना है, सुधा जी आपको भी आना है, इमरान अहमद जी आपको भी आना है, और सारे लोगों को आना है जिन लोगों ने टॉप 10 में पार्टिसिपेट किया है, जिन्होंने कुछ नई चीजें सीखी हैं उन सभी लोगों को, ठीक है। सो ओवरऑल आपका टाइम खत्म हो गया, एंड मैं मुझे आज बहुत प्राउड फीलिंग हो रही है कि मैंने आप लोगों को अच्छे क्वेश्चंस दिए और आप लोगों ने उसको बहुत अच्छी तरीके से रिप्लाई किया। एंड नेक्स्ट सेशन में मैं आपका 1 आवर का सेशन रखूंगी, उसमें 25 क्वेश्चन रखूंगी, ठीक है, एंड डिटेल में नहीं लेके आऊंगी, इसी तरीके से लेके आऊंगी, ठीक है। ओम, सो नवनीत, ओम, अलका, गुड नाइट। जिन्होंने अभिषेक, नमस्ते। आंसर, इसका आंसर क्या था? 1925। अरे आंसर किया तो था मैंने, 1925 है इसका आंसर, अलका 1925, मैंने पोल में करेक्ट आंसर कर दिया था, 1925 से आपका सपोर्ट प्राइस ईयर 2025 और 20 और 21 के लिए, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर यार, 10 सेकंड बचे हैं, रुक जाओ, मैं तो पूरे अपने सेकंड में पूरे टाइम पे खत्म जाऊंगी, मैं नहीं पहले जाने वाली, आप लोग चले जाओ, गुड नाइट। 3 सेकंड बचे हैं, 2 सेकंड, 1 सेकंड, टाटा बाय, 1.5 घंटे कंप्लीट हो गए, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, कल मिलते हैं हम लोग सब लोग, बाय बाय।